एक शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। अनअकैडमी में आपका स्वागत है, भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी सबसे बेहतरीन और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइव सेशन बेस्ट एडुकेटर के साथ, मानिए बेस्ट एडुकेटर इस देश के। इसके अलावा लाइव प्रैक्टिस मिलेगी आपको एडुकेटर के साथ, जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। वीकली क्विजेस होंगे जहां पर आप अपने डाउट क्लियर्स कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। 9 से लेकर 12 कक्षा तक बैच और कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ज्वाइन कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी, इसके लिए आपको जाना होगा www.unacademy.com पे। फायदे क्या है इसके, ज्वाइनिंग अनअकैडमी के? पहली चीज, आपको कोर्स वर्क कहीं से भी किसी समय भी मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। आप फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से और स्ट्रक्चर के साथ काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। समय का उपयोग होगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा आप क्लासमेट्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं, आपको फीडबैक मिलेगा अपने टेस्ट पे और सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाएगा। प्रिफर्ड पेस है लर्निंग की, अफोर्डेबल कोर्सेज है सभी के लिए। आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना है LE01, ताकि आप 10% डिस्काउंट ले सके। वेलकम टू अनअकैडमी। ये CBSE क्लास 10, कक्षा 10 का साइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बार बार एग्जामिनेशन में आए हैं। पहला सवाल है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग। इथेनोइक एसिड का जब कॉम्बिनेशन होता है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल से, क्या प्रोडक्ट आता है, उसका आपको नाम भी बताना है। ये 2016-2017 में आया है और जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे वो रिपीटेड है। तो ये इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। जब सोडियम के साथ ये कॉम्बिनेशन होता है इसका, तो आपको मिलता है सोडियम इथेनोएट, सोडियम एसिटेट। इसके साथ हाइड्रोजन रिलीज होती है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है CH3COH, तो आपको ये इथेनोइक एसिड है, तो आपको मिलेगा CH3COONA, जो सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसिटेट, साथ में पानी मिलता है, वाटर। उसके बाद इथेनॉल के साथ जब इथेनोइक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है CH3COH प्लस C2H2OH, इथेनॉल है ये, इससे आपको एस्टर मिलता है, इसे हम इथाइल इथेनोएट भी कहते हैं, CH3COOC2H5 अलॉन्ग विथ वॉटर। दो रीजन बताने हैं फॉर द अपियरेंस ऑफ वेरिएशन अमॉन्ग द प्रोजनी फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके दो पार्ट है, तो पहला पार्ट पहले लेते हैं, सेकेंड पार्ट के कुछ मल्टीपल सब पार्ट है। तो पहला कहता है कि आपको बताना है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आगे की जो प्रोजनी आ रही है, आगे का जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है, उसके अपियरेंस में वेरिएशन क्यों होता है, चेंज क्यों होता है, जो दिखावट होती है। तो प्रोजनी का मतलब होता है जो अगली आपकी स्पीशीज आने वाली, ऑफस्प्रिंग कहते हैं, और क्या उनमें अपियरेंस में वेरिएशन आता है, उसके कारण बताने। दो इसके मेजर रीजन आप बता सकते हैं, अपियरेंस ऑफ वेरिएशन अमॉन्ग द प्रोजनी फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा संभोग क्रिया। तो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो डीएनए है वो एक्सचेंज होता है किसके बीच में, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है मायोसिस में, और इसी कारण से जो आगे की ऑफस्प्रिंग है उसमें वेरिएशन हो जाता है। दूसरा यह है कि जो प्रोजनी बनता है, जो इनकमिंग स्पीशीज बनती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके पास कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, फीचर आती है मां से, मदर से, साथ में फादर से भी आते हैं, दोनों से आते हैं। इस कारण से, क्योंकि दोनों से कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, इसीलिए वेरिएशन हो जाता है, इसलिए चीजें परिवर्तित हो जाती है। सेकेंड पार्ट है, ये प्लांट के लिए है। नेम द पार्ट मार्क्ड ए इन द डायग्राम। ए क्या है इसमें, जो ए पार्ट देख रहे हैं उसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। ये जो ए है पॉलन ग्रेन, हाउ डज ए रीच पार्ट बी, ए से ये बी तक कैसे आता है, ए से बी तक जो मार्क्ड है, ए बी तक आता है पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन के अलग अलग कारण है, हवाएं हो सकती है या तितलियां हो सकती है, भंवरे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण है, और वो उड़ते भी हैं, पॉलन बहुत दूर तक जाते हैं। और बी क्या है इसमें, बी है स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। तीसरा है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सी, ये जो ट्यूब नुमा चीज आप देख रहे हैं, ये ट्यूब क्या करती है, इसका नाम क्या है। तो सी पोलन ट्यूब है, इसका ये मेन काम होता है, पोलन ट्यूब इसका काम होता है
कि जो मेल गैमेट को है उसको ये एग तक, फीमेल गैमेट तक, फीमेल पोजीशन तक पहुंचाता है ट्यूब का। व्हाट हैपेंस टू द पार्ट मार्क डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर? एक बार ये 2014-2016 में आया है, आगे भी आया है। तो होता क्या है, ये होता क्या है, डी ये है एग, डी एग है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अंडा जो है वो डिवाइड होता है कई बार, और उसके बाद एम्ब्रायो बनता है इस ओव्यूल के अंदर। एम्ब्रायो मतलब आगे का जो ऑफस्प्रिंग है इसका। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? ये 2016-2017 में ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसमें मेंडल एक साहब थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने लंबे जो बड़े प्लांट थे, लंबे प्लांट थे, उनको उन्होंने क्रॉस कराया, पी लिया इन्होंने, पी मटर का पौधा लिया इसमें, और डोमिनेंट ट्रेड्स जो मैं आपको यहां पर दिखा पा रहा हूं, और जो रिसेसिव ट्रेड्स है, तो डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेट करेंगे। तो मेंडल ने जब क्रॉस किया जो प्योर टॉल प्लांट्स है इनको, तो उन्होंने कहा टॉल प्लांट ही आते हैं जब फर्स्ट जनरेशन F1 इसे हम कहते हैं, पहले जनरेशन में क्या टॉल प्लांट्स ही आ रहे हैं। ड्वार्फ मतलब छोटा, टॉल बड़ा, ड्वार्फ मतलब छोटा। इन्होंने देखा कि कोई छोटा प्लांट, कोई छोटा पौधा नहीं बन रहा है इसमें, प्रोजेनी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। जब F1 जो टॉल प्लांट्स है इसको खुद से पॉलिनेट किया गया तो मेंडल को मिला बड़ा और छोटा दोनों F2 जनरेशन में 3:1 फॉर्म में। ये बताता है, इसका उत्तर यही है, दिस शोज द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ये प्रॉपर इसका आपका फ्लो चार्ट है, इसको तरह देखिएगा, यहां से आप डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स देख सकते हैं। लिस्ट फोर स्टेक होल्डर विच मे बी हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों का संरक्षण करने के लिए कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे? तो जो लोग इस जो फॉरेस्ट के जंगलात के आसपास रहते हैं, ये जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट है, जो लोग इसके आसपास वेसिनिटी में रहते हैं वो लोग स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ये इस पे आश्रित है किसी न किसी तरीके से, तो ये इसका फायदा लेते हैं, तो इसका आरक्षण करेंगे, इसका संरक्षण भी करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट, जो ये फॉरेस्ट का, जंगलों का जो रॉ प्रोडक्ट है वो एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं। सारी प्राइमरी एक्टिविटीज जो हम देख चुके हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है या फॉरेस्ट से आती है। जब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं तो यहां पर सेकेंडरी एक्टिविटीज आ जाती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज की चीजें लेती है, मतलब एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री की चीजें लेती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल यहां से मिल रहा है अपने इंडस्ट्रीज के लिए, इसीलिए वो स्टेक होल्डर होंगे। तीसरा है वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुजियास्ट, वो लोग जो एक्टिविस्ट होते हैं यानी जो नेचर से प्यार करते हैं, उनके कंजर्वेशन की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की बात करते हैं, वो लोग होंगे। तीसरा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जंगल और वन का डिपार्टमेंट होता है, डिवीजन होता है, वो इसे इसका स्टेक होल्डर है। ये 2012-2014-2015 और काफी रिपीट होता है ये सवाल, व्हाई इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी? आउट ऑफ द टू मेथड्स रीयूज एंड रिसाइकल विच वन वुड यू सजेस्ट प्रैक्टिसिंग एंड व्हाई? तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट इसका मतलब क्या होता है? पहली चीज ये है कि जो मैनेजमेंट है इस रिसोर्स का, उसका इस तरीके से हम रिसोर्सेस का उपयोग करें कि आज की पॉपुलेशन उसे यूज करे, आज की जनसंख्या उसे यूज करे, लेकिन आगे की जनरेशन के लिए भी ये हो। यानी मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और महीने भर के लिए है, आपके पास है 100 रुपए और आप पूरे मंथ के लिए 30 दिनों के लिए आपके पास 100 रुपए है, आप आज 100 रुपए खर्च कर देंगे तो बाकी 29-28 दिन क्या करेंगे? तो नेचुरल रिसोर्स के साथ भी ऐसा ही है, ये लिमिटेड है, इसको लाखों हजारों साल लग जाते हैं बनने में, एक पेड़ को उगने में भी सालों लग जाते हैं, और पेट्रोलियम वगैरह की तो बात ही मत करिए, लाखों साल लग जाते हैं। तो होता यह है कि आज जो हमारी पॉपुलेशन है वो उसको जरूरत है, लेकिन उसको उतना ही दिया जाए, उतना ही वो यूज करे जितनी की जरूरत है। अंधाधुंध उपयोग रिसोर्सेज का हम ऐसा उपयोग ना करें। ये जो 100 रुपए मैंने बताया, तो मान लीजिए आज आपने 2 रुपए 5 रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपए खर्च कर दिए, आगे कल 4 रुपए खर्च कर दीजिए, ऐसे करके आपके पास पूरे महीने के लिए पैसा रहेगा जेब में। दूसरा यह है कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है आज की, वो आज हम पूरी करें, जरूरत को पूरी करें, लेकिन हम उसको आगे के लिए भी रखें। जो मैंने आपको पहले बताया, मैंने तो अब यूज कर लिया, थोड़ा सा बचाया, मेरे बच्चा उसे यूज करेगा, वो तो बिल्कुल नहीं बचाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत बचा दे, तो उसके बाद जो बचाएंगे, उसके बाद जो बचाएंगे उनका क्या होगा? जो आगे के बच्चे होंगे उनके पास कुछ भी नहीं होगा। पेट्रोलियम का आज हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम आगे के समय में खत्म हो जाएगा, तो वो हम कहां से लाएंगे? हम अपनी गाड़ियां कैसे चलाएंगे, हवाई जहाज कैसे चलेंगे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो ये इसीलिए इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का। दूसरा पार्ट आता है रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल।
तो रियूज ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो सामान है उसको दोबारा यूज कर लीजिए, लेकिन रिसाइकल आप करेंगे तो पहले लेके आएंगे उसको, आप पहले उस फॉर्म में बनाएंगे ताकि आप उसको दूसरा फॉर्म बना सके, तो एनर्जी इसमें जा रही है, आपका रिसोर्स जा रहे हैं, एफर्ट जा रहे हैं, यानी कि यहां पर भी आप बहुत सारा रिसोर्स डाल रहे हैं ताकि आप चीजों को रिसाइकिल कर सके। तो रिसाइकिल नहीं, रीयूज बेटर है, ठीक, क्योंकि आप एनर्जी एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, आप रीयूज में एनर्जी ज्यादा नहीं खर्च कर रहे हैं, रिसाइकल में आप बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं ताकि आप उस चीज को उपयोग कर सके। उसके बाद यह है कि फिर से मैं ये बात करता हूं कि आज की बात हम आज के लिए उपयोग करें, आज का सामान नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन करें उतना ताकि हम आगे की जनरेशन के लिए रख सके, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड है, उनके नंबर लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आगे नहीं पैदा होंगे, लेकिन इनको सालों साल लग जाते हैं, इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय कहते हैं, ये खत्म हो जाएंगे, इनको सालों साल लग जाएंगे, हमें इसको रखना है आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, 50-100 साल के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको, 100 साल के लिए, 100 सैकड़ों साल के लिए बात करनी है। और हम जो अपने रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, एक अमेरिका का आदमी जितना 50 टाइम ज्यादा एक युगांडा का आदमी, केनिया का या हिंदुस्तान के आदमी से ज्यादा रिसोर्स यूज करता है। यानी रिसोर्सेज अगर आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका अंधाधुंध या बगैर सोच समझ के उसका उपयोग करने लगे, यानी अगर अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, आपके आज के फायदे के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तो फिर आगे के लिए आप क्या देंगे आगे फ्यूचर जनरेशन को। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, और जिनके पास बहुत ज्यादा है वो बिल्कुल खत्म करने में लगे हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट करें नेचुरल रिसोर्सेज का, ये आज की रिक्वायरमेंट है और ये हमारे फ्यूचर जनरेशन की भी रिक्वायरमेंट है। What is homologous series of carbon compounds? Write the molecular formula of two consecutive members of homologous series of aldehydes. State which part of these compounds compound determine their physical and chemical properties. तो यहां पर यह भी काफी बार रिपीट हुआ है, होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे आपको दिखेंगे। तो एक होमोलोगस सीरीज को हम डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार जहां पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, लेकिन जो आगे जो जैसे मान लीजिए एक है, उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट आने वाला है एडजेसेंट कहते हैं इसको, सक्सेसिव मेंबर कहते हैं, वो या तो आपस में CH2 से डिफर करेंगे या 14 मास यूनिट से डिफर करेंगे। जैसे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स का एग्जांपल दें तो CH3CHO हो गया, C2H5CHO हो गया, ये दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स है। एक कार्बन कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं R और F। R जो होता है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, F जो होता है फंक्शनल ग्रुप पार्ट होता है। ये जो R पार्ट है हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, भौतिक प्रॉपर्टियां बताता है, और F जो होता है वो केमिकल रासायनिक प्रॉपर्टी बताता है। यहां पर एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर एल्केन्स अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके जनरल फॉर्मूला आपको पता है, जब भी किसी का जनरल फॉर्मूला मिल जाता है इसका मतलब ये है कि वो होमोलोगस सीरीज से आते हैं। जैसे एल्केन्स का CnH2n+2 मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे बनता रहता है। जैसे CnH2n+2 अगर मैं इसको लू, एन की जगह हम वन रखते हैं तो सी तो वन हो, सी के साथ वन हो गया, एच 2n+2 तो 2 × 1+2 2 × 1+2 2+2 यानी कि 2+2 4 CH4 हो गया। एन को आप 2 रखते हैं तो C2H 2 × 2+2 यानी कि 2 × 2 4 4+2 + 2 = 6 तो क्या आ गया, H6 आ गया, C2H6 आ गया। ये चलता रहेगा आगे, इसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप इसका होगा और सेम फंक्शनल ग्रुप से ये आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट टू ऑफ इट्स एडवांटेजेस, ये भी काफी रिपीट होता है इसीलिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि वो सारे प्लांट जिनको हम चाहते हैं कि वो जल्दी फ्लावर और फ्रूट, अरे इनमें जल्दी से जल्दी फ्रूट्स आ जाए, फल आ जाए, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, बनिस्बत की उनका जो हम सीड लगा के करेंगे, बीज लगा के। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मान लीजिए आपको सीड से 5 महीने में पौधा फल दे रहा है तो वेजिटेटिव से आपको 2 महीने में मिल जाएगा। इसका प्लांट जो बनता है वो पेरेंट प्लांट जो उसका पेरेंट प्लांट है उसी की तरह ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी उसी की अच्छी होगी लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाएगी। और दूसरा ऐसे प्लांट जिनके पास सीड्स नहीं है, जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनका क्या होगा, उनके लिए सबसे बढ़िया ये है जो प्लांट जो सीड बीज पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि बीज से ही तो अगला पौधा उगेगा ना, उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। जो सर्वाइवल रेट्स है, जो सर्वाइवल मतलब जो ये पौधे लगते हैं और उगाए जाते हैं उसके बाद ये बहुत दिनों तक चलते हैं, ये ज्यादा है।
अगर आप सीड से लगाएंगे, बीज से लगाएंगे, तो ये प्लांट है, इसको हम इस तरीके से काटते हैं स्लैंट तरीके से, इसी प्लांट को हम ग्रो करते हैं। यहां पर भी आप देखिएगा, यहां पर हम प्लांट को कट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे और उसको फिर हम जमीन में लगा रहे हैं ताकि ये ग्रो करे, इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। एक्सप्लेन एड्स, लिस्ट एनी फोर मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एड्स। ये भी काफी रिपीट होता है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स का मतलब होता है, फुल फॉर्म देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी एक वायरस होता है जिसके कारण, एचआईवी वायरस के कारण आपको एड्स होता है या एड्स हो जाता है। तो ये डिसीज है, वायरल वायरस इसमें होता है, और अगर आपको टेस्ट किया जाए, अगर आप एचआईवी पॉजिटिव होते हैं तो मतलब आप एड्स से संक्रमित है। होता यह है कि एड्स जो अगर हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम को यह वीक कर देता है। अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो आप बाहर के जितने भी बाकी डिसीजेज हैं उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, आपका इम्यून बहुत खराब हो जाता है, आप बिल्कुल धीरे 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 एक स्लो मौत मरते हैं, धीरे 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 आप मौत की तरफ जाते हैं क्योंकि आपका इम्यूनिटी खराब करता है या खत्म करता है। तो फिर से मैं बताऊं, ये एचआईवी पॉजिटिव, इसका ब्लड टेस्ट जब होता है तो एचआईवी पॉजिटिव होते हैं तो एड्स हो जाता है। इसके चार मेथड या ऐसे मल्टीपल मेथड है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। पहली चीज ये है कि इन्फेक्टेड ब्लड, अगर किसी कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है उसका ब्लड किसी एक नॉन अफेक्टेड आदमी को लगाया जाए तो वो इफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्ट हो जाएगा कोई और, मतलब ब्लड को पहले चेक किया जाना चाहिए उसके बाद उसको किसी और को दिया जाना चाहिए, अदरवाइज ब्लड से क्लियर एचआईवी हो जाएगा अगर किसी को है तो। जो सिरिंज हम यूज करते हैं, क्योंकि सिरिंज जो है शरीर के अंदर जाती है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसे हम काटते वगैरह हैं, कुछ कटिंग करते हैं, तो उसमें अगर हम वो उसको ठीक से क्लियर नहीं कर रहे हैं या फिर उसको फेंक नहीं रहे हैं दूसरा, तो उससे दूसरे आदमी को हो जाएगा। कॉन्डम्स, जब भी सेक्स करें, जब भी संभोग करें, बहुत अच्छी प्रक्रिया है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी करें कॉन्डम का यूज करें। कॉन्डम का मतलब ये है, फीमेल कॉन्डम आते हैं, मेल कॉन्डम होता है, जब भी संभोग क्रिया करें इस कॉन्डम का यूज करें। और अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए चेक किया जाए, एसटीडीज के लिए चेक किया जाए, तो इससे आपको पता लगेगा। देखिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इंटरकोर्स, संभोग सेक्स, इसको ना किया जाए। अगर आपको एक पार्टनर है, एक पार्टनर के साथ रहिए, अगर आपके मल्टीपल पार्टनर है तो आपको कोई गारंटी नहीं कि अगले पार्टनर को एचआईवी हुआ तो आपकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करेंगे, कैसे होता है कि एक माँ है, उसके बच्चे, अगर उसके पेट में बच्चा है और उसको एचआईवी है तो फिर एड्स होने की संभावना उस बच्चे को पूरी रहेगी। फिर अगर आप इन्फेक्टेड ड्रग यूज, यानी आपने ड्रग कहीं ऐसी चीज यूज की, इंजेक्शन यूज किया और दूसरे ने भी इंजेक्शन यूज किया, जैसे लोग नॉर्मली ड्रग्स यूज करने में लेते हैं, तो एक को एचआईवी है तो आपको भी एचआईवी हो जाएगा। ये तरीके ध्यान में रखिएगा। NaMgAl are the elements having 1, 2, 3 valence electron respectively. Which of these elements have the largest atomic radius? Sodium, magnesium, aluminium. सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है? तो उत्तर है इसका सोडियम, सोडियम Na, क्योंकि एटॉमिक साइज बाएं से दाएं बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज में। ये पहला उत्तर हो गया। फिर इन तीनों में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम, Al, ये काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो कम होती है लेफ्ट से राइट। एल्यूमिनियम क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। अगला सवाल है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ थ्री मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? मान लीजिए आपने सेक्स किया, आपने संभोग किया और उसके बाद किसी तरीके से आपने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस होंगे, महिला के, लड़की के प्रेग्नेंट होने के चांसेस है। उसके लिए आप बैरियर मेथड यूज करिए या मेल और फीमेल कॉन्डम यूज करिए। 5 मिनट का मजा, जिंदगी भर की सजा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्डम यूज करिए। इसके अलावा हार्मोनल पिल्स आते हैं, जैसे आई पिल होती है, सहेलिया पिल्स, 72 घंटे तक ये वैलिड होती है। इसका मतलब अगर आपने अभी सेक्स किया है, संभोग किया है, तो आप 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर इसको अब दवाई ले सकते हैं ताकि आगे कोई प्रेगनेंसी ना हो। यूज ऑफ लूप और कॉपर टी और आईओसीडी आईयूडी कहते हैं इसको, इंट्रा यूटरीन डिवाइस, जो औरतों का, लड़कियों का यूट्रस होता है वहां पर इसको लगाया जाता है ताकि जो स्पर्म है और महिलाओं का एग है उसका कॉम्बिनेशन ना हो पाए। उसके अलावा सर्जिकल मेथड है, काटपीट वाले मेथड भी है, ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी, नसबंदी कहते हैं इसको मर्दों के लिए। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या हो सकते हैं? बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें क्या है? कॉन्डम है, स्पर्मिसाइड है, फीमेल कॉन्डम है, डायफ्राम है, वजाइनल स्पंज है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, मतलब दवाइयां, एक पिल ले लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन का पिल होता है, ऐसे अलग अलग पैच होते हैं जो, जिसे कॉन्ट्रासेप्टिव पैच कहते हैं हम, और इस पैच को लगाने से भी हार्मोनल काम होता है।
इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है। इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे मैंने बताया कि सीधा यूट्रस में ही ये चीज लगा दी जाती है ताकि कोई गर्भधारण ना हो सके, यानी कोई कॉम्बिनेशन ना हो सके मेल और फीमेल के जो फ्लूइड्स हैं उसका, जो संभोग के समय निकलते हैं। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन में यह है कि नसबंदी कर दीजिए, आदमी और औरत दोनों की नसबंदी होती है और वैसेक्टोमी ट्यूबलिगेशन होता है, इससे आप देखेंगे कि गर्भधारण के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको टेबुलर फॉर्म में बताना है डिफरेंस किनके बीच में, एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स में, एग्जाम्पल भी देना है आपको। तो ये काफी साल रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि आपके माताजी और पिताजी, उनकी कुछ अलग तरीके की आंखें हो सकती है, चेहरे की स्किन अलग अलग हो सकती है, बाल अलग अलग हो सकते हैं। तो आपके पिताजी के ब्राउन हेयर्स हैं तो आपके भी ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं। आपकी मदर की कुछ लिप्स अलग हों या जिस तरीके की लिप्स हों, आपके लिप्स आ सकते हैं, होंठ आपके उनके आ सकते हैं, डिम्पल आ सकते हैं आपको आपके माँ बाप में किसी में हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स हैं जो आपको एक पार्टी से मिलती है, एक पार्टी से नहीं मिलती है। तो जब आप एडल्ट हो जाते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, आप एडल्ट हो गए, आप बोलते हैं मैं गिटार सीखूंगा, आप सीख रहे हैं, गिटार सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका थोड़ा सा वेट बढ़ गया, आप रनिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉस वेट रनिंग कर रहे हैं, तो आपने वेट लूज किया, तो यहाँ पर गिटार और लूज वेट, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपने एक्वायर्ड ट्रेड्स है। आपने बाल और आंखें एक्वायर नहीं की, वो इनहेरिटेड है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स अगर आपने किया तो डीएनए में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके, यानी ऐसा नहीं कि आपके जो आगे की प्रोजनी है, आपके आगे के जो बच्चे हैं वो भी गिटार सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है, गिटार सीख के पैदा होंगे। आगे के एवोल्यूशन में कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसका, जैसे एक्वायरिंग नॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई नॉलेज आपने गेन कर ली या वेट आपने लूज कर लिया। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर्स जो आपने माँ बाप से लिए हैं, और आप जब माँ बाप बनेंगे तब आपके बच्चों के पास जाएंगे, इसका मतलब आपके डीएनए में आ जाएंगे वो, और फिर आप अपने प्रोजनी आगे की जो जनरेशन है उसको पास करेंगे, यानी एवोल्यूशन में इसका उपयोग होगा, एवोल्यूशन में ये सब चीजें अफेक्ट करेगी, जैसे स्किन कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, ये सब आपको माँ बाप से मिलते हैं। क्योंकि टेबुलर फॉर्म में पूछा गया है तो इसको टेबल में आपको लिखना है, तो टेबल में आप लिख सकते हैं कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं ये हेरिटेबल वेरिएशंस कहते हैं इसको, और ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में चेंज होते हैं इससे, प्रजनन वाले, और नए जनरेशन में जाते हैं प्रोजनी में, जैसे हाइट जाती है। एक्वायर्ड ट्रेड्स की जहां तक बात करते हैं, ये इन नॉन हेरिटेबल है, इसका मतलब ये है कि ये आपके बॉडी के अंदर चेंज नहीं करेगी कुछ भी, मतलब जो टिश्यूज है उसमें चेंज नहीं कर रही है, डीएनए में चेंज नहीं कर रही है, तो इसीलिए ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। अगर आप गायक हैं तो आपका जो नया जनरेशन है वो गायक होगा, बहुत बहुत हद तक पॉसिबल है, लेकिन आपने कुछ सीखा है वो दूसरा बच्चा सीख जाएगा, वो जरूरी नहीं है। जैसे पावर लिफ्टिंग किया, मसल्स बना लिया आपने, तो आपके बच्चे अपने आप उनकी मसल्स अच्छी हो जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इसको परपेंडिकुलर रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ उसकी 24 सेंटीमीटर है, जो दूरी है इस ऑब्जेक्ट की लेंस से वो 16 सेंटीमीटर है। आपका पोजीशन साइज और नेचर बताना है, जो इमेज बनेगा लेंस फॉर्मूला यूज करके, ये भी काफी रिपीट होता है, नंबर चेंज हो के रिपीट होता है। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर टॉल है, इसका मतलब आपका जो ओ है, कैपिटल ओ, वो आपका 4 है। इसको परपेंडिकुलर रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का आपको फोकल लेंथ दिया हुआ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम जो कस्टमरी हमारा ट्रिवियल तरीका है उसमें पॉजिटिव लेते हैं, और क्योंकि वो उस तरफ रखा हुआ, लेफ्ट में रखा हुआ है, और प्लेस परपेंडिकुलर है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, जिसका फोकल लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं, तो फोकल लेंथ प्लस 24 सेंटीमीटर है, जो हमारे साइन कन्वेंशन है उस हिसाब से, जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी कि यू की बात हो रही है, यू ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है और उसके बाद जो इमेज होता है उसका वी होता है। तो अगर आप इन दोनों का मॉड लीजिए और देखिए नंबर्स में क्या रिलेशन है, तो आप इनके आपस में रिलेशनशिप से पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ। तो आप देखेंगे कि यू जो है 16 सेंटीमीटर है, जो 24 सेंटीमीटर से कम है, यानी मैग्नीट्यूड अगर लिया जाए तो 16-24 से कम है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एफ और सी, फोकस और जो सी है उसके बीच में है, है ना, जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कर्वेचर वाला है, और उसके फोकस उसके बीच में है,
का मतलब ये है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही ऑब्जेक्ट से वो कैन नॉट मीट एट एनी पॉइंट अदर साइड ऑफ लेंस, दूसरे साइड के लेंस में आपका कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे क्लियर है, लेंस फॉर्मुला लगाएंगे, यू एफ बाई यू प्लस एफ कर दीजिए। अब यहां पर वी निकाला डायरेक्ट, तो यू की जगह आप माइनस 16 लेंगे, एफ की जगह आप प्लस 24 लेंगे, इससे आपका जो वैल्यू आएगी माइनस 48 सेंटीमीटर आएगा। अब ये नेगेटिव साइन, जैसे यू मैंने बताया माइनस 16 है, वी भी उसी साइड है, तो वी आपका माइनस 48 आ गया, यू आपका माइनस 16 था, और इससे हमको ये जो नेगेटिव साइन पता चल रहा है वी का, इसका मतलब ये है कि इमेज जो होगी वो लेंस के इसी साइड बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसी जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, बढ़ोतरी कितनी होगी, मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम जानते हैं या वी बाय यू या आई बाय ओ, ये दोनों होता है, क्योंकि हमारे पास वी और यू दोनों है, वी और यू है, तो इससे हम एम निकाल लेंगे, एम आता है आपका प्लस 3, 48 बाय 16, 3। अब ये मैग्निफिकेशन हो गया। अब आई बाय ओ भी एम होता है, मैंने आपको जैसे बताया था ओ ऑलरेडी दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, तो आई कैसे निकलेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 4 कर दीजिए, ओ है आपका 4, ओ 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है 12, 12 सेंटीमीटर आपका आएगा, और जो एम है वो पॉजिटिव है, एम एक से बड़ा भी है, एक से बड़ा है, इसका क्लियर मतलब है कि इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोन का क्या काम है, ये सवाल भी काफी पूछा जाता है। ओजोन, ओजोन शील्ड कहते हैं, ओजोन लेयर या ओजोन शील्ड, क्योंकि ये हमको पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं उनसे हमको ये बचाता है, ये नहीं होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा आप हमको जीव जंतुओं को। तो हमारा TSMTE करके हम याद करते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्टेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ऐसे करके थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इसमें आपका जो स्टेटोस्फियर का एक पार्ट है थर्मोस्फियर के ऊपर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर, ट्रोपोस्फियर के पास स्टेटोस्फियर है, वहां पर एक पार्ट है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन पार्ट कहते हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पर O3 का बहुत जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे O3, बाकी अगर आप और लेयर देखें उससे ज्यादा O3 यहाँ पर होती है, बहुत ज्यादा होती है। मेन काम यह है कि ओजोन लेयर जो भी पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो सनलाइट आती हैं, जो बहुत ही घातक है अगर इनके बीच में कोई फिल्टर ना हो, तो पराबैंगनी किरणें, सन अल्ट्रावायलेट लाइट जो आती है, UVB खासतौर पर, और UVA तो खैर निकल जाती है, UVC और UVB, UVC तो पहले रुक जाती है, UVB को रोकता है। इसका मतलब जो पराबैंगनी किरणों का बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, जो लोगों की स्किन पे हो सकता है, फ्लोरा फौना पे हो सकता है, जीव जंतुओं पे हो सकता है, उसके लिए, और साथ में टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है इससे। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी, तो हमारा जीना, हमारा जीवन इस पृथ्वी पे नामुमकिन हो जाएगा। इस पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए सबसे कारगर हमारे नेचर ने, गॉड ने, भगवान ने ओजोन लेयर बनाई है। अब मैं आपको जरा एक और पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ओजोन लेयर है और सन की जो एनर्जी आ रही है उसमें यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो UVC तो पहले ही अब्जॉर्ब हो जाती है, फिर UVB 95 अब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर जब इससे पास होती है, उसके बाद UVA आता है, जिसके लिए हम आपको देखा होगा कि लोग ये सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं, लेकिन अगर UVB आ गया तो फिर कोई भी सनस्क्रीन क्रीम काम नहीं करेगी, ये तो फिर खराब ही कर देगा शरीर को, पूरी स्किन को, ये एरोसोल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो आप यूज करते हैं उससे बहुत नुकसान हो रहा है। न्यूजीलैंड के ऊपर छेद है, ओजोन में छेद हो चुका है, छेद बड़ा हो रहा है, अगर हम इस चीज का उपयोग करते रहे तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब हमारी आगे की पीढ़ी इससे कैसे बचेगी, इसकी संभावना हमें तलाशनी होगी कि आगे हम मिसयूज चीजों का ना करें, ऐसी चीजों का उपयोग ना करें जो ओजोन लेयर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये सवाल भी काफी आता है। अच्छा, दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, एक ये है, एक आगे भी आएगा, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है बेसिकली। तो जो टाइम डिफरेंस है एक्चुअल सनलाइट और अपेरेंट सनसेट, वो 2 मिनट है, क्या रीजन क्या है इसका, आपको डायग्राम से बताना है, हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब इसका मतलब ये है कि जब वाकई में पृथ्वी पर सनसेट हो रहा है और जो हम देखते हैं, जो हमें दिख रहा होता है, देखने वाली चीज अलग है, जो एक्चुअल हो रही है अलग है, उसके बीच में 2 मिनट का अंतर है, तकरीबन 2 मिनट का अंतर है, तो उसका कारण क्या है। एक और चीज में आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑरेंज को दिखता है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, उसका भी, उसके लिए भी यही सेम डिस्कशन आएगा। होता यह है
कि जब सन उग रहा होता है, यानी कि हम जब देख रहे होते हैं उसको उग रहा होता है, वैसे सन तो सन अर्थ तो हमेशा घूम रहा होता है ना, सन के रिवॉल्व कर रहा होता है और रोटेट भी कर रहा होता है अर्थ अपनी धुरी पे। तो ये जो रेज आती हैं, अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो जो रे आ रही है वो क्योंकि क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है लाइट तो वो बेंड होती है और हर वेवलेंथ अलग अलग तरीके से बेंड होती है। तो यहां पर जब ये एटमॉस्फेयर से पास होती है तो क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है, अभी ये राइज कर रहा है, तो हमको ये डिफ्रेक्ट होके रिफ्रैक्ट होके हमें ये दिखने लगेगी, हमें ये दिखने लगता है। अब क्या होता है कि एक्चुअल तो वो यहां से रिफ्रैक्ट होके आ रही है तो हमें लगता है कि सन ऊपर आ चुका है, अभी नहीं आया है, दो मिनट बाद आएगा, लेकिन हमको ये लगने लगता है कि ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये इससे हमें एज एन ऑब्जर्वर अगर आप देखें कि यहां पर जो मुड़ के आ रही है उसका मैं एक्चुअल सिचुएशन बनाऊं तो ये आपका एपरेंट सन हो जाएगा, मतलब यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं लेकिन हमको दिख रहा है वो, लेकिन बेंडिंग के कारण हमारे आंखों में वो लाइट पहुंच जा रही है जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी, है ना। तो इसी इस तरीके से हर एक अक्षांश के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होता है, सबसे तेज होता है सबसे, आप विषुवत वृत्त जो है हमारा जो इक्वेटर है वहां पर सबसे ज्यादा हम इसका इफेक्ट देखते हैं, और वही हम दूसरे सवाल में भी इसी का उत्तर इसी तरीके से देंगे। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं कि एक अर्थ है, हमारे ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, हर एक लेयर की डेंसिटी, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन सब चीजें अलग अलग है, ट्रोपोस्फेयर की अलग है, थर्मोस्फेयर की अलग है, एक्सोस्फेयर की अलग है। तो जब ये लाइट आती है तो ये इनसे पास होते होते क्योंकि हमारा बेंडिंग होती है उससे बेंड हो जाती है, तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं जो हमें दिखने लगता है दो मिनट पहले वो असली में दो मिनट बाद निकल के आएगा। Why are the forests considered biodiversity hotspots? List two ways in which an individual can effectively contribute to the management of forests and wildlife. ये भी काफी बार आया है। देखिए biodiversity क्या होता है? Bio मतलब होता है जैव, जिसमें जान हो। Diversity मतलब होता है विविधता। Biodiversity मतलब जैव विविधता। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी जगह, ऐसा समय जहां पर जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, फ्लोरा है, फौना है, यहाँ पर हारमोनी में रहते हैं, और खास तौर पे वो उन चीजों के बारे में हम ध्यान देते हैं जो या तो खत्म हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं या खत्म होने वाले हैं। इनडेंजर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज जो वहीं पे होती है। तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है, और फॉरेस्ट को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स, चाहे वो आप छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ले लें, बैक्टीरिया, फंगाई, फर्न, नेमेटोड्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, कहने का मतलब छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी हमारे पास जानवर या पेड़ पौधे मौजूद हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं। अब जहां पर हमको बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो इंडेंजर्ड मतलब ये है कि जो विलुप्त होती हुई और हाईली एंडेमिक हो, इसका मतलब वो उसी जगह पाई जाती है और किसी भी विश्व के किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेंगी, तो ऐसी जगह के लिए जरूरी हो जाता है कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कोशिश हम करते हैं कि पोकर्स हैं, शिकारी है या और भी तरीके की चीज हो रही होती है, इसलिए हम इसको हॉटस्पॉट बना देते हैं इकोलॉजिस्ट द्वारा, ताकि और सरकार द्वारा, ताकि हम इन सबको बचा सके, इनकी संरक्षण कर सके, इनको हम किसी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सके। जब तक हम इनको हॉटस्पॉट नहीं बनाएंगे तब तक ये बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी और वो सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी जो हमें इस विश्व में, इस प्रकृति में बना के रखती है। ये एक पिक्चर में दिखाना चाहूंगा, ये पूरे विश्व का मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहले चीज तो ये है कि पहले पेड़ों को काटना बंद किया जाए, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, पेड़ों को काटना बंद कीजिए। दूसरी चीज ये है कि लोगों को अवेयर करिए, खासतौर पर बच्चों को, क्योंकि बच्चों को एक बार जो सिखा दिया जाता है वो जिंदगी भर चलता है। बच्चों को सिखाया जाए, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पेड़ पौधे पक्षी हम ये केवल ऐसे ही है मजे के लिए, ये पूरे भगवान ने हमको दे रखा है किसी काम के लिए। इसी तरीके से, क्योंकि अमीर लोग क्या करते हैं कि वो फर पहनते हैं और कई कई जानवरों की चमड़ियां अपने इसमें लगाते हैं, चेहरे लगाते हैं, केवल वो दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन अमीरों के की डिमांड को पूरा करने के लिए जो पोकर्स हैं, शिकारी, इनका शिकार करते हैं और उन जानवरों का शिकार करते हैं जो कि हमारे नेचर के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी काफी बार पूछा जाता है। We see eyes in planaria, insect, octopus, vertebrates. Can eyes be grouped together in case of the above-mentioned animals to establish a common evolutionary origin? Why? पहले तो मैं इसका आंसर दे दूं, हाँ, इसका उत्तर हाँ है। जो आंखें हम देखते हैं, planaria, insect, कीटों में, octopus में, vertebrates में,
ये आपस में स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट होती है। ये ऑर्गेनिजम्स जो है इनको हम एवोल्यूशन जो हुआ किस तरीके से पैदा हुई बनी या फिर आगे बढ़ी इनके हिसाब से हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ की हाईली स्पेशलाइज है कुछ की नॉर्मल है, लेकिन सबका एक ही काम है देखना, सबका काम एक ही है चाहे वो कितने भी डिफरेंट हो, काम तो उनका देखना ही है। इसका मतलब कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसका आंसर हाँ है। उसके बाद है स्टेट वन एविडेंस टू प्रूव दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल। मुर्गी को देखा है आपने, मुर्गी उड़ नहीं पाती, मुर्गे उड़ नहीं पाते, बहुत दूरी नहीं उड़ पाते हैं, तो बर्ड्स जैसे आप रेप्टाइल देखते हैं ना, रेप्टाइल्स उनकी तरह पक्षियों में भी विंग्स है, यानी कि इनके बीच में कुछ कॉमनैलिटी है। अगर आप देखेंगे तो दोनों की विंग्स टाइप चीजें हैं, जैसे मछलियों की फिन्स होती हैं। अब यहां पर यह है कि किसी का काम ठंड से बचना था, रेप्टाइल्स को देखा जाए ठंड से बचने के लिए, लेकिन अगर पक्षियों का देखा जाए तो वो उड़ने के लिए काम आते हैं। ये बताता है कि जो विंग्स हैं, जो उनके पंख हैं, वो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, एक जैसे ऑर्गन्स हैं देखने में, और उनको इस तरीके से जो अलग अलग हॉस्टाइल कंडीशंस आई उससे काउंटर करने के लिए उन्होंने इसको अडॉप्ट किया या बन गया उनमें से। राइट द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर दीज कॉलम्स कॉल्ड। काफी बार आया सर ये भी, इसमें ये है सीधी सी बात है कि जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, ठीक, हॉरिजॉन्टली जाइए तो पीरियड्स। तो आपके ये जो कॉलम बता रहा हूँ, कोई भी टेबल बनाएंगे उसके जो ये लाइनें मैं दिखा रहा हूँ वो इसको कॉलम कहते हैं। जब ऐसे लेंगे मतलब हॉरिजॉन्टली लेंगे तो ये जो लाइन दिख रहे हैं डब्बे डब्बे, इसको हम रोज कहने लगेंगे। तो जो वर्टिकल कॉलम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको हम ग्रुप कहते हैं, और हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स हैं। इसमें आप 18 भी लिख देंगे ना तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, 18 ग्रुप्स लिख देंगे बस काफी है। व्हाट इज मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी, अब ये सवाल बार बार आ रहा है क्योंकि बार बार पूछा गया है। आपको एडवांटेजेस बताने हैं क्या क्या जरूरी है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, मतलब जंगलों को, वनों को और वाइल्ड लाइफ को हमको बचाना है, जो वाइल्ड लाइफ है हमारे पास, और क्या फायदे हैं इनके। पहले तो बताइए बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़े वो एक ही इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे काम रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ले लीजिए जो पानी में रह रहे हैं, आप जो जमीन पर रह रहे हैं, जो हवा में उड़ रहे हैं, सबको मिला लीजिए। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब जिनके पास लाइफ है, जिंदगी है, डाइवर्सिटी मतलब उनमें इतनी विविधता है। तो बायोडाइवर्सिटी उस एरिया का मतलब ये होता है कि कितने स्पीशीज हैं उस एरिया में, अलग अलग टाइप की कितने विविध स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं उस इलाके में। अब एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है इसके, हम क्यों हम वन को बचाना चाहते हैं। तो पहली चीज ये है कि अगर पौधे बहुत, पेड़ बहुत सारे हैं तो बहुत सारे इनके फायदे। पहले तो ये है कि ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखेंगे तो चाहे आप बरसात आ जाए, चाहे आप हवा आ जाए जो अर्थकर्ष के ऊपर के परत को उठाने की कोशिश करती है जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, तो ये पेड़ उनके बीच में खड़ा हुआ है, वो ना तो मिट्टी को जाने देगा, पानी आ रहा है तो उसको भी रोक देगा, और वो पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, भूमिगत जल का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर टेबल बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी हमारे उद्योग हैं, विनिर्माण हैं, उन सबके लिए जो रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल आता है, वो कहाँ से आता है, वो आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, वो आता है ऐसी जगह से जिसको हम वन कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, जंगलात कहते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों वगैरह को बचाना, वनस्पतियों को बचाना क्यों जरूरी होता है। जंगली जानवरों को ये है कि हमारे पास अलग अलग स्पीशीज हैं और इसीलिए हमारे डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, विविधता है, इनको हमको बचाना है अलग अलग स्पीशीज को। दूसरा ये है इकोलॉजिकल बैलेंस है, एक ना इक्विलिब्रियम बना रखा है ऊपर वाले ने। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक फूड चेन बनती है, मतलब घास है, घास को कौन खा लेता है, चूहा खा लेता होगा, या फिर आप कहें कुछ इंसेक्ट खा लेते होंगे, चूहा इंसेक्ट को खा लेता है, सांप इनको खा लेता है, फिर किसी उसको कोई और खा लेता है। जैसे तीन लेवल पे एग्जांपल लूं तो खरबी हो रहा है, घास खाने वाला जानवर जैसे डियर हो गया, डियर क्या होगा, घास को खा लेगा, शेर आएगा, शेर इनको खा लेगा, जो डियर है उनको, हिरण को, तो इसमें हम भी आते हैं कहीं ना कहीं। तो एक प्रॉपर एक गॉड ने, नेचर ने, भगवान ने, जिनका भी आप नाम लेते हो, उन्होंने एक बैलेंस बना रखा है। और अगर आप मान लीजिए कार्निवोर्स नहीं रहे तो हर्निवोर्स बहुत ज्यादा, हर्बीवोर्स ज्यादा हो गए तो सारी घास खा जाएंगे। अगर हमारे पास हर्बीवोर्स नहीं है तो कार्निवोर्स तो घास खा नहीं सकते, वो भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब एक बैलेंस है, एक इक्विलिब्रियम है जो ऊपर वाले ने बना के रखा है, और इसको तय करना, उसको बना के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी इसके एक बहुत बड़े पार्ट है, हमारा भी रोल है, हम भी इसी इकोसिस्टम में, इसी बायोडाइवर्सिटी में, इन्हीं जंगलों में, इन्हीं वाइल्ड लाइफ के साथ रहते हैं, बीच में रहते हैं। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2।
अब ये अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सी एन एच टू एन प्लस टू इसका जनरल फॉर्मूला है, मैं इनको इनको मान रखिए, जरा देखिए क्या मिलता है। एन इक्वल्स वन रखेंगे तो सी वन, एन की जगह वन रख रहा हूँ, सी वन प्लस फिर एच टू इंटू वन प्लस टू, तो सी वन हो गया और एच टू प्लस टू हो गया फोर, तो सी एच फोर हो गया ये, है ना, जिसे कहते हैं मीथेन। अब आइए एन इक्वल्स टू टू रखिए, सी टू एन की जगह टू, एच टू इंटू टू प्लस टू, तो सी टू एच टू टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सी टू एच सिक्स हो गया, ये फॉर्मूला हो गया सी टू एच सिक्स, इसको हम इथेन कहेंगे। अब ये रिपीटेड सवाल है जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहां पर हमको लेबर डायग्राम से बताना है कि जो सन का सवाल है ये हमेशा आता ही आता है, इस तरीके से आए उस तरीके से आए। सन क्यों हमको सन जब सूरज जब उग रहा होता है या फिर विलीन हो रहा होता है क्यों हमें ऑरेंजिश दिखता है, रेडिश क्यों दिखता है? हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले मैं आपको इसका शब्दों में बताता हूं फिर मैं आपको फिगर से दिखाऊंगा, क्योंकि फिगर आपको दिखाना है। जो लाइट आती है सन से, जो होराइजन है, होराइजन वो होता है जहां पर जमीन उससे मिल रही होती है बादल से, तो जैसे ही हमारा जो उगरा होता है तो बहुत लंबी इसकी दूरी करनी पड़ती है, तो दूरी तय करनी पड़ रही है इस लाइट को, तो बहुत सारी जो लाइट है जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है वो उड़ जाती है, यानी कि स्कैटर हो जाती है, तो जो बड़ी वेवलेंथ है वही पहुंच पाती है, बड़ी वेवलेंथ रेड होती है। देखिए ऑब्जर्वर यहां पर है ना, आप यहां पर है, सन आपके एकदम ऊपर है, जब लाइट आ रही है सर के ऊपर से बिल्कुल सीधी आ रही है, कोई स्कैटरिंग नहीं हो पा रही है इसकी। लेकिन अगर आप अर्थ, अब सन जो है जैसा है उस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जब सन यहां पर होगा और वो उग रहा होगा और आ रहा है आपकी तरफ, तो इसको इसको एक लंबी दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी, लंबी दूरी इसने तय करेगी। हमेशा ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तो यहां पर जो शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो स्कैटर हो जाएंगी। सबसे ज्यादा लैम्डा के पे डिपेंड करता है स्कैटरिंग का जो फिनोमेना, तो लैम्डा सबसे छोटा किसका है, विबग्योर ले, ब्लू ले, तो ब्लू सबसे ज्यादा शॉर्टर लेंथ है, ये सब इसको उड़ा देगा। लेकिन जो बचती है वो हायर वेवलेंथ बनती है, जिनकी लैम्डा ज्यादा है वो आपकी आंखों तक पहुंच पाता है, तो हाथ तो आंखों तक पहुंच पाती है रेड या रेडिश, या ये कहें कि थोड़ा ऐसा कलर जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है जो आपकी आंखों तक पहुंच पाता है। फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, जैसे मैं विबग्योर अगर ले लूं तो वायलेट ब्लू टाइप का जो चीज है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये उड़ जाती है, इनको स्कैटर कर दिया जाता है, रेले माई इस तरीके से अलग अलग स्कैटरिंग होती है। और जब यहां पर आप आर की तरफ आते हैं रेडिक्स की तरफ, तो लैम्डा ज्यादा होती है, तो स्कैटरिंग उतनी नहीं हो पाती, तो इसीलिए आपको रेड और रेडिश या फिर ऑरेंजिश दिखाई देगा जब ये उग रहा होगा या विलीन हो रहा होगा। बोर्ड एग्जाम्स में स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन के बारे में बताना है लॉज। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये रिसेंटली ही आया हुआ है। पहली चीज देखिए कि जो लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, इसमें है जो इंसिडेंट रे है जो एंटर कर रही है, जो रिफ्रैक्ट हो रही है, बेंड हो रही है, और एक परपेंडिकुलर नॉर्मल इन दोनों दो मीडियम के बीच में जो इंटरफेरेंस है उसके बीच में उसमें जो नॉर्मल बनाई है वो सारे के सारे एक प्लेन में आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर मान लीजिए एक आपका एक मीडियम ए है, ये मीडियम आपका बी है, फिर आपका मीडियम ए है। अब कोई एक ये हमारा मैंने नॉर्मल बना दिया, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, और ये बेंड हो रही है, ये बेंडिंग हो रही है इसकी। अब ये बेंडिंग हो रही है, फिर उसके बाद ये बाहर निकल रही है, तो इसमें तीन चीजें आप देखिए, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, यहां रिफ्लेक्टेड रे समझ लीजिए, और ये नॉर्मल है। तो ये आई एन और आर, ये तीनों रेज एक ही प्लेन में रहेंगे, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इनके मान लीजिए जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है या लाइन ऑफ डिफरेंस है इन दोनों अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्टेट में, उनका परपेंडिकुलर है। अगर कोई एक कलर है, एक लाइट किसी कलर की, और या कोई आप पेयर ले लीजिए मीडिया का, तो आप हमेशा देखेंगे कि जब भी इंसिडेंट एंगल होगा और जो एंगल रिफ्रैक्ट हो रहा होगा उसका एंगल, यानी साइन थीटा इंसिडेंट एंगल का और साइन उस रिफ्रैक्टिव एंगल का, जितना ये बेंड हुई है, ये कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसको बेसिकली ये है स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, और मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, साइन ए बाय साइन आर इज कॉन्स्टेंट, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू हम म्यू ए बी कभी कभी ऐसे लिखते हैं, कभी ए ऊपर कभी नीचे बी। इसका बताने का मतलब यह है कि म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
किस मीडियम का, बी मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा ये एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यही होता है, मतलब बी का ए के रिस्पेक्ट में, राइट। तो रिफ्रेक्टिव, अब जैसे मैंने आपको बताया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो म्यू इसमें सी बाय वी हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम सी होती है और जो इसमें वी है वो उस मीडियम में होती है। उसी से हम ये सवाल का सवाल करेंगे। देखिए जो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है दो मीडिया का, ए और बी, 2.0 1.5 दिया हुआ है, और लाइट लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम बी में वो आपको दे रखी है 2 × 10⁸। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट पता करना है। पहला तो ये है कि एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव जो इंडेक्स है वो मीडियम ए का म्यू ए 2 है, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव मीडियम ऑफ मीडियम बी म्यू बी 1.5 दिया हुआ है। अब फॉर मीडियम बी आप देखिए 1.5 आपको दिया हुआ है बी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और अब ये जानते हैं क्या होता है सी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड इन दैट मीडियम, है ना, वो आपको दिया हुआ है 2 × 10⁸। सी आपका आएगा 1.5 × 2 × 10⁸ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 10⁸ आ गया स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। तो ये देखिए हुआ क्या है इसमें, जैसे मैंने आपको पहले अभी सवाल का जवाब जो दिया था उसमें निकल के आया था कि एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम से रिलेटेड, तो जो स्पीड आपको लाइट की दी हुई है मीडियम बी में वो 2 × 10⁸ ऑलरेडी दी हुई है इस सवाल में। 2 × 10⁸ ये आपको स्पीड ऑफ लाइट दी है इस मीडियम में, और हम जानते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में, इसी को हम म्यू कहते हैं। तो मैंने कुछ न्यूट्रिशन ले लिए, ये बराबर होता है आपके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर जो 1.5 है। 1.5 है अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है या स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में दिया हुआ है ना, क्योंकि जैसे हमने देखा था जो सी बाय वी है वो बराबर 1.5 से रिलेट करेंगे, तो सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है सीधा, ठीक। 1.5 इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसको मल्टीप्लाई करिए स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, आपको स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आएगी, जो कि होता भी है। अब मीडियम ए की बात बारे में बात करेंगे, यहां पर सेम चीज सेम अप्लाई करेंगे। अब यहां पर म्यू ए, यानी म्यू ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 2। तो सी बाय वी किसके बराबर होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट जो आपको दिया हुआ है, अगर किस कोई एक ही है, किसी के रेफरेंस में नहीं है, ये केवल ए का है, तो किसके रेफरेंस में होगा, म्यू ए लिखा हमने, वो आपको 2 दिया हुआ है, जो स्पीड ऑफ लाइट है जैसे अभी भी निकाला और हमें पता भी है वैसे 3 × 10⁸ होता है, और वी हम निकाल सकते हैं इसे 3 × 10⁸ को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो आ जाएगा 1.5 × 10⁸। ये आपका इस स्पीड ऑफ लाइट हो गया इस मीडियम में, इस मीडियम जिसकी बात करें ए। स्पीसिएशन क्या होता है, स्पीसिएशन ये भी रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन, स्पीसिएशन शब्द आया है स्पीशीज से, आप और आपकी जब शादी होगी तो आपके बच्चे होंगे वो एक स्पीशीज होगी, फिर उनके बच्चे होंगे एक स्पीशीज होगी, लेकिन जब देखिए चीजें बदलती रहती है, आपकी शक्ल आपके बच्चे से बराबर नहीं होती, बिल्कुल एकदम जैसी नहीं होती। तो होता यह है कि जब फॉर्मेशन होता है नए स्पीशीज का एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, इसी को हम स्पीसिएशन कहते हैं। ये तब होता है जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, जब कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है जब पॉपुलेशन स्प्लिट हो जाती है अलग अलग स्पीशीज में, और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है एक दूसरे से। इस बेसिस पे अगर आप देखें इसका, अगर मैं मैकेनिज्म के हिसाब से इसका डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो स्पीसिएशन में ग्रेजुअल होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, इसको हम एलोपैट्रिक और सिमपैट्रिक, और भी इसके डिफ्रेंसिएशन किए गए हैं पेरीपैट्रिक पैरापैट्रिक। पहले जब कुछ चित्र दिखाऊंगा कि यहां पर नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से भी बनता है, कैसे, जैसे जो चोंच है वो बदल गई, वही चीज इस इंसेक्ट भी ईट कर रहा है, वही लकड़ी भी खोद रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग वर्गीकरण है, ओरिजिनल पॉपुलेशन आप देखिए शुरुआत की सही स्टेक है सब में, फिर हर एक को आप कॉलम वाइज देखिए, इनिशियल स्टेप क्या था, बैरियर हुआ, नया नीके आ गया, नया नीके जो है वो उसके साथ जुड़ गया और एक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, अंदर ही चेंज हो गया, फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया अभी,
दो चीज अलग हो गई या फिर साथ में जुड़ गई, साथ या अंदर ही चेंज हो गया। उसके बाद नई डिस्टिंक्ट स्पीशीज आ गई, जब कुछ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, बराबरी हो गई, तब आपकी नई चीज बन गई। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन टू सेपरेट बिन्स। बायोडिग्रेडेबल डिग्रेड हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल कभी भी, जैसे प्लास्टिक वगैरह मिलियन ऑफ ईयर में भी डिग्रेड नहीं होंगे। होता क्या है, हमारे पास एक डस्टबिन होता है, हम एक पॉलिथिन लगा देते हैं उसके अंदर, नॉर्मली काला पॉलिथिन होता है। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी सामान, कोई भी चीज है वो इसमें हम डाल देंगे, चाहे खाने का वेस्ट हो, चाहे आपके प्लास्टिक वेस्ट हो, कुछ भी हो, हम इसमें डाल देते हैं, सब मिक्स हो जाता है, सब कुछ मिक्स हो गया। अब इसको हम पॉलिथिन बांध करके बाहर रख देते, कोई ले जाता है। अब वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे होगा, वेस्ट जो कचरा है उसका निस्तारण कैसे होगा। कई ऐसी चीज है जो रिसाइकल हो सकती है, कई ऐसा वेस्ट है जिसको मैन्योर या फर्टिलाइजर या कहें कंपोस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। चीजें सड़ जाती हैं, कोई कौन आदमी इसको अलग करेगा, सबसे बड़ी बात होती है अलग करने की बात, क्योंकि जो चीज यूज हो सकती है उसको हम इस तरीके से बना देते हैं कि उसका काम ये होता है, मैं जाके डंप कर दो कहीं भी, और फिर पहाड़ बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं कचरे के, और वो सबसे बड़ी दिक्कत है। जो कचरा होता है हमें परेशान करता है, हमारे शरीर को परेशान करता है। तो इनको हटाना, सेपरेट करना, ड्राई और वेट वेस्ट को, कोई आदमी इसको अलग नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कौन करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो मेन चीज ये है कि समय से हो जाए, समय कम हो जाए और इन सब का उपयोग हो सके, संसाधनों का उपयोग ठीक से हो और उनका वेस्ट ना हो। तो ड्राई वेस्ट को डार में डालिए, वेट वेस्ट को वेट में डालिए। वेस्ट सेग्रीगेशन सही से होगा तो ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आगे जो जनरेशन आ रही है उनके लिए भी बहुत फायदा होगा। दिल्ली में एंटर करते हुए आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है, वाकई में पहाड़ की तरह है। आपका कार इस साइज का है, वो बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने वैसे एक कार, ये माउंटेन की तरह दिखता है, ये माउंटेन नहीं है, ब्राउन कलर का दिखाई देगा, ये वेस्ट है, ये कचरे का पहाड़ बन गया। उसके ऊपर आप बहुत सारे चील, गिद्ध और अलग अलग पक्षी उड़ते हुए देखेंगे, और फिर वो इधर उधर जाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, और जहां उसके आसपास लोग रह रहे हैं वहां तो परेशानियां बढ़ी रही है। फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसमें है आपका, ये आपको चार एलिमेंट्स दिए हैं, इनमें से आपको बताना है, बेरिलियम है और कैल्शियम है, एफ के पोटेशियम वगैरह है, थोड़ी आपको बताना है कि अमंग योर एलिमेंट्स सेलेक्ट द एलिमेंट्स हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो कौन से इसमें है जिनके आउटर मोस्ट में एक है, तो 19K जो है, क्योंकि 19 दिया हुआ है, तो 2881 18 2810 10 18 18 1, तो एक इसमें बाहर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑटोमोशन में। तो इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा तरीका है। टू एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप, दो एलिमेंट बताने हैं जो सेम ग्रुप के हैं, क्योंकि हमारे पास बेरिलियम और कैल्शियम, दो एलिमेंट है बेरिलियम और कैल्शियम, और इनका सेम ग्रुप इसीलिए है, ग्रुप टू देखिएगा, क्योंकि दोनों के दो इलेक्ट्रॉन है बाहरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, दो यहां दो यहां। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे बेरिलियम का आप देख रहे हैं 2.2 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ca कैल्शियम का 2882 है। इसके बाद है, ये हमने बता दिया टू एलिमेंट। राइट दी फॉर्मूला एंड मेंशन द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ के एंड एक्स। एक्स का दिया हुआ आपको 287, तो दोनों एलिमेंट के और एक्स, उनकी वैलेंसी है 1, तो वैलेंसी 1 है। ये बनाएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कैसे मैं आपको बताता हूं। ये के एक्स बनेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के सी एल, अगर एक्स क्लोरीन होता तो के एक्स बन जाता के सी एल। पहले आप समझिए कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट एक्स का, हमें मिला हुआ है ये 287 287। अब 287 में, क्योंकि लास्ट में जब 4 से बड़ा होता है तो हम 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालते हैं, तो 8 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 1 1, इसकी वैलेंसी हो गई। अब एटॉमिक नंबर इसका K का 19 दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 2881, ये हमने अभी फर्स्ट के आंसर में भी देखा 2881। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां भी वैलेंसी आपकी 1 है। तो जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, जो इसे बनेगा K और X से, ये बनेगा KX, जैसे मैंने बताया ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक नेचर का कंपाउंड बनेगा KX, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा ये KX कंबाइन करके।
What is sustainable management? Why is reuse considered better in comparison to recycle? तो sustainable management क्या है? इसका simple मतलब ये होता है कि आप जो resources हैं, संसाधन हैं, इनका ऐसा उपयोग करें, mineral हो, चाहे कोई भी आप नाम ले लीजिए, अब चाहे degradable हो, चाहे non-degradable हो, जिस भी तरीके का आपका संसाधन हो, आप उसका ऐसा उपयोग करें, वो आज के लिए limited रूप में आप इसका इस्तेमाल करें, समझदारी से सोच के प्लान करके, ताकि आगे की हमारी जो जनरेशन आ रही है, आगे के ऑफस्प्रिंग जो हमारी आ रही है, आज ऐसे नहीं आपके बेटे या उसके बेटे, और भी आगे सोचिए, उनके पास वो रिसोर्सेस हो, वो ऐसा ना हो कि वो बेचारे उनके पास रिसोर्सेस ना हो। तो ये एक पैटर्न है मैनेजमेंट का, जो ये प्रॉमिस करता है, विश्वास दिलाता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से यूज किया जाए कि आज की ह्यूमन नीड को तो वो पूरा कर ले, हमारी जरूरतों को, लेकिन आगे के समय भी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अवेलेबल रहे। इसके लिए हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग में देखा जाए तो रीयूज ज्यादा बेहतर है। आप रिसाइकल मतलब क्या कर रहे हैं? आप नया प्रोडक्ट ही तो बना रहे हैं, आप नया प्रोडक्ट ही तो बना रहे हैं। जैसे आपने एक्स चीज यूज किया, अब रीयूजेबल करना चाहते हैं तो आप प्रोसेसिंग तो दोबारा करेंगे ना, इसमें एनर्जी होगा, एफर्ट होगा, पनी हो, सारी चीज आप इसमें मनी वगैरह लगाएंगे, तो आप इसी एक्स को क्यों ना यूज करें, इसी एक्स को यूज करें। और इसका मतलब यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में एफर्ट लग रहा है वो ना लगे, इससे आपका एनर्जी भी लेस लगेगी और पोल्यूशन भी कम होगा यदि आप रीयूज करना शुरू करेंगे तो। List any four reasons for vegetative propagation being practiced in the growth of some type of plants. ये सवाल क्योंकि बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि चार ऐसे रीजन जिससे क्यों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इतना प्रैक्टिस किया जाता है। उसका पहला कारण है कि कई ऐसे प्लांट हैं, कई ऐसे पौधे हैं जो बीज पैदा नहीं करते। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक लेडी है, औरत, वो कंसीव नहीं कर सकती, या ये कहें बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो किसके लिए जा सकती है? वो IVF के लिए जा सकती है, सारे ऑप्शन है ना, और सरोगेसी के लिए जा सकती है, तो बच्चे वो कर सकती है। इसी तरीके से जब हम पौधे की बात कर रहे हैं, पौधे अगर वो बच्चे या कहें सीड पैदा नहीं कर पा रहे, उसको इक्वेट कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, IVF करना पड़ेगा, सरोगेसी करना पड़ेगा, किसकी? प्लांट्स की। ये तरीका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का है। एक तो चीपर है, इजियर है, फास्ट मेथड है, और जो पुराने प्लांट का करेक्टरिस्टिक है वो सब इसमें आती है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बनता है फिर से। अब इसमें बहुत सारी मेथड हम यूज करते हैं, लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, इससे शुगर केन, गन्ना हो गया, गुलाब और ग्रेप, अंगूर वगैरह के पौधों की ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, खासतौर पर वाणिज्यिक तौर पर यानी कि कमर्शियल तरीके से। तो इस तरीके से ये अलग अलग चित्रण है, हम पहले भी इसके चित्रण देख चुके हैं, तो उसको हमने देखा था, स्लैंट काट के उसको लगा देते हैं, या फिर यहाँ पर जोड़ करते हैं, वहां से चीजें उग जाती हैं, क्योंकि आपको वो मौका देना पड़ेगा ताकि नई चीज पैदा हो सके। तो ये है प्लांट रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल दिखाया गया है यहाँ पे, एग्जांपल भी मैंने बताया क्यों हमको जरूरत पड़ती है। HIV क्या होता है, और एड्स क्या इंफेक्शियस डिसीज है, और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे स्प्रेड होगा। तो यहां पर देखिए, ये एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हवा से, पानी से, छूने से नहीं फैलता है। एड्स इंफेक्शियस डिसीज, जैसे आपको सर्दी है तो दूसरे को सर्दी हो सकती है, ऐसे इस तरीके का कम्युनिकेबिलिटी इसमें नहीं है, इस तरीके का नहीं होता, इसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है इसमें? पहली चीज है संभोग। सेक्स अगर आप कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं कि उसके साथ, ऐसे पार्टनर के साथ जिस जो HIV पॉजिटिव है, आपके पास मल्टीपल पार्टनर है तो ज्यादा खतरनाक है। और चाहे कोई भी सेक्स करें, जो नॉर्मल सेक्स होता है, या वजाइनल सेक्स करें, एनाल करें, या फिर ओरल जिसे कहते हैं, किसी को HIV है तो आपको भी होने की संभावना है। अच्छा, माँ से बच्चे को पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, या फिर ब्लड आपने इंजेक्शन एक आदमी को लगाया, फिर दूसरे आदमी को लगा दिया, किसी एक को है तो दूसरे को हो जाएगा वो, तो यहाँ पर ये खतरनाक हो जाता है। खासतौर पे जो लोग ड्रग्स करते हैं, वो एक दूसरे का इंजेक्शन यूज करते हैं,
उन लोगों के लिए तो बहुत जानलेवा है, तो इन सब चीजों से बचिए, ये सब बहुत खतरनाक है। सेक्स करिए लेकिन ऐसा मत करिए कि मरने की नौबत आ जाए और इंजेक्शन वगैरह किसी और का उपयोग मत करिए, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम इतना खराब हो जाता है, बहुत तड़प तड़प के तिल तिल के आदमी मरता है, बहुत गंदी मौत होती है इसकी। बचिएगा थोड़ा, ऐसा कोई काम ना करें जिससे नुकसान हो। आगे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है दो मेंबर्स जो होमोलोगस सीरीज के हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप है Cl, तो CH3Cl हो गया, CH2H5Cl हो गया, ये Cl के लिए ये होमोलोगस सीरीज है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दो मेंबर्स होमोलोगस सीरीज इसके जिसका Cl है। कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है जिसमें CO है, तो इसका भी बता सकते हैं CH3CO OH3, एक सॉल्यूशन मैंने यहां भी रख दिया है ताकि अगर बाई चांस ये आ जाता है तो ये भी आप कर सकते हैं CH3CO OH3 और CH3CO CH2CH3, ये Cl के लिए, ये CO के लिए। एक ऑब्जेक्ट है, हाइट इसकी 2.5 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर पे है। अच्छा, ये जो सवाल है इसको देखिएगा, अगला सवाल जो है मैं इस पर सॉल्व करूंगा। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है यहां मैं दिखा रहा हूं 2.5 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर है ऑप्टिकल सेंटर से, कॉन्वेक्स लेंस भी है यहां पर, कॉन्वेक्स लेंस है ये, और इसकी ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये बी और ओ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर। आपको एक रे डायग्राम बनाना है ताकि आप पोजीशन बता सके, साइज बता सके, वो इमेज क्या बनेगी इसकी। ऑप्टिकल सेंटर दिखाना है, प्रिंसिपल फोकस दिखाना है, हाइट दिखाना है, जो इमेज बनेगी। तो 2.5 सेंटीमीटर जैसे मैंने आपको बताया, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, फोकस इसका, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है इस लेंस की। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। तो ये जो लाइन सीधी जा रही है, लाइन सीधी जा रही है वो तो सीधी पहुंच जाएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जो पैरेलल टू एक्सेस जा रही है वो फोकस से निकलती है, दोनों ये जुड़ेंगी तो ए डैश बी डैश करके इमेज बनेगी और 5 सेंटीमीटर की है। इसका जो फॉर्मूला है या इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आया है, वो अभी मैं बताता हूं आपको। तो साइज इमेज की 5 सेंटीमीटर है, 2f के आगे बनेगी। अब इस सवाल को देखिएगा, ये हम सॉल्व करेंगे जो पिछले था उसी तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम चीज आपको करनी है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर दी है, ये 4 सेंटीमीटर हाइट दिखा रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। तो 30 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट है जो दूरी पर रखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर का लेंथ है इसकी, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। अब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसकी फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। हमको रे डायग्राम बनाना है, क्या पोजीशन होगी इमेज की, क्या साइज होगा। और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आया था, मैंने कैसे बता दिया कि 30 सेंटीमीटर पे बनेगी और कैसे इसका साइज है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों सवाल एकदम एग्जैक्टली सेम है, कि नंबर इधर उधर हुए हैं, तो मैं यहां पर करके दिखाऊंगा आपके सामने, जो समझाऊंगा जो आप पीछे से रिलेट करेंगे उसको आप खुद करेंगे। तो यहां क्या हो रहा है, एक रे डायग्राम आपको बना दिया गया, जैसे मैंने पिछला समझाया था बिल्कुल सेम वैसे ही है। ओ और एफ आपको मार्क करना है और आपको रेशियो निकालना है जो साइज है इमेज का और साइज क्या है ऑब्जेक्ट का। तो ये बार बार आया है, रिसेंटली भी आया है। तो डायग्राम मैं दोबारा ले जाता हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर का और 30 सेंटीमीटर दूरी पर है ये ओ से। एफ जो फोकल लेंथ है इस लेंस की वो है एफ 20 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर कहां से आया, जैसे पहले क्वेश्चन में हमें 30 सेंटीमीटर मिला था और यहां पर ये 8 सेंटीमीटर है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें कन्वेंशन पता होना चाहिए, कन्वेंशन U जो है वो -30 सेंटीमीटर लिया हमने, F 20 सेंटीमीटर है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/V - 1/U, तो यहाँ इससे हमें V मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर, और जो 60 सेंटीमीटर यहां से आया है। मैग्निफिकेशन कैसे आएगा, मैग्निफिकेशन जो होता है वो V/U होता है, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ V की जगह V जो है आपका 60 है, U आपका -30 है, हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 4 पता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, -8 सेंटीमीटर। हमको नेगेटिव साइन देखना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है और रियल भी है, एक्चुअल है, और जो रेशियो है साइज जो इमेज का है और साइज ऑब्जेक्ट का है वो है 8/4, ये आपका 2 है, 8/4 2। तो ये चीज आप एग्जैक्टली करेंगे, सेम सिमिलर करेंगे पीछे जो हमने सवाल किया उसकी तरीके। ओके, आपका 30 आएगा और बाकी चीजें भी आपको इससे समझ में आ जाएगी कि पिछला वाला कैसे था, क्योंकि बार बार आता है, इसको करना पड़ेगा आपको।
draw a ray diagram to show the formation of image of an object placed between infinity and the optical center of a concave lens. इस बार बात हो रही है concave lens की. Concave lens पहला पहला पार्ट लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट पे आएंगे हम लोग. तो पहला पार्ट ये कहता है कि हमको रे डायग्राम बनाना है जिसमें इमेज है, इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, इसके दरमियान. ये है आपका कॉनकेव लेंस. इमेज ये कैसी बन रही है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है. ए बी हमारा मेन है, ए बी इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है और जो ए डैश बी डैश बन रही है वो आपकी इमेज है. तो ऑप्टिकल सेंटर आपका ओ हो गया, एफ वन एफ हो गया, 2F1 आप देख रहे हैं. तो फोकस हो गया आपका ये इसके बीच में बन रही, फोकस और ओ के बीच में बन रही है इमेज. इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश मतलब तो छोटी बनेगी एक्चुअल से. देखिए एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो सीधा सीधा चली जाती है. जो लाइन पैरेलल होती है एक्सेस के, वो जब बेंड होती है तो उसका मतलब वो लगता है कि वो फोकस से निकल के आ रही है. तो ये फोकस से ज्वाइन कर दीजिए इसको. तो जब ये लाइन और लाइन को इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आपकी ए डैश बी डैश है जो आपकी इमेज बनने वाली है. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर. ये इमेज बना रही है 10 सेंटीमीटर लेंस से. आपको डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का लेंस से और मैग्निफिकेशन बताना है इस इमेज का कितना बना और क्या नेचर होगा इस इमेज का. सो वी हैव अ फॉर्मूला और आपको कन्वेंशन ध्यान रखने होंगे. फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का है, हमने कॉन्वेक्स में प्लस किया था, एफ यहाँ माइनस 15 है. इमेज डिस्टेंस आपका माइनस 10 है. हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f = 1/b - 1/u. आपको यू मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो. एम होता है बी बाई यू. तो -10/-30 करेंगे, ये 1/3 आ जाएगा. अब 1/3 आ रहा है क्योंकि मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं पॉजिटिव भी है और लेस देन 1 भी है. इसका मतलब जो इमेज बनने वाली है वो इरेक्ट होगी और छोटी होगी साइज में. इसमें सवाल है, ड्रॉ रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन. इस फिगर को ध्यान से देखिएगा. यहां पर एक मीडियम है और इस प्रिज्म है या जो भी आप मीडियम ले, ये मीडियम नंबर 2 हो गया, फिर मीडियम 1 दोबारा आ गया. यहाँ पे हो यह रहा है, यहाँ पर इंसिडेंट रे है. जो इंसिडेंट रे जब मीडियम चेंज करेगी तो बेंड हो जाएगी और उसके बाद जैसे री इमर्ज होगी उसके बाद ये फिर से अपना पाथ चेंज करेगी क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. हमने ये दोनों जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को एक्सटेंड कर दिया, एक को आगे की तरफ एक को पीछे की तरफ. ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये जो एंगल बन रहा है वही एंगल ऑफ डेविएशन है आपका, यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन है. अब इमर्जेंट रे जैसे मैंने बताया बेंड करती है जब वो एंटर करती है और उसके बाद इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे दोनों बेंड करके जो पीछे हम ले जाते हैं और वो एंगल डेविएशन होता है. अगर सवाल है व्हाई डू द कंपोनेंट ऑफ कलर्स ऑफ इंसिडेंट व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू अ स्पेक्ट्रम व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एक्सप्लेन, इसका जवाब मैं दूंगा लेकिन ये तीसरा देखते हैं पहले. ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो. अच्छा ये जो चीजें हैं काफी आपस में रिलेटेड हैं तो आप दूसरे का उत्तर तीसरे से निकलेगा. पहले फिगर ध्यान से देखिए. हो ये रहा है कि सन है, सूरज हमें व्हाइट लाइट देता है. ये जो व्हाइट लाइट होती है इसमें सारी लाइटें होती है, इसमें सारे वायलेट से लेकर रेड तक विप ग्योर आप लिख लीजिए, हर एक लाइट इसके अंदर है. लेकिन क्योंकि ये मिल गई है इसलिए ये व्हाइट दिखती है. तो हर एक इसमें कलर है और सबका अलग अलग लैम्डा वेवलेंथ है. अब यहां पर एक पानी की बूंद है और एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों बूंदे होती हैं. इसमें क्या ये जो सिचुएशन है वो सबके साथ है. हो ये रहा है कि यहां पर मीडियम 1 है, यहां मीडियम 2 है. तो मीडियम चेंज कर रही है जब लाइट एंटर करती है बाउंड्री पे, आप देखिएगा वहां पर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है. लेकिन रिफ्रैक्शन के अलावा डिस्पर्शन भी हो जाता है. डिस्पर्शन क्यों होता है, क्योंकि हर एक लैम्डा अलग अलग बेंड होती है और क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाती है. यहां पर एक कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. तो आई और आर में एक रिलेशनशिप होता है जिसके कारण ये लाइट वापिस आ जाती है, ये बाहर नहीं निकल पाती है. तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो पूरा का पूरा इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो ये जब बाहर आएगा ये फिर से थोड़ा सा बेंड होगा और ये पहुंचेगा आंखों में, हमारे और आपके ऑब्जर्वर की आंखों में, और हम रेड से लेकर वायलेट लाइट तक सारे अलग अलग शेड्स देख लेंगे और हमें लगा कि ये रेनबो है, इंद्रधनुष है. तो जब एक लाइट एंटर करती है प्रिज्म में, अब हम सेकंड वाले पे आ गए. सेकंड वाले में ये प्रिज्म है, इसको मैं 3D नहीं बना रहा हूं, उसका फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूं.
तो यहां क्योंकि उसका ट्राइंगल या स्क्वायर बेस होता है, यहां पर लाइट जैसे एंटर हो रही है, यहां पर जैसे ही लाइट एंटर होगी ये अपना मीडियम चेंज करती है। अब मीडियम चेंज करती है साथ में इसके अलग अलग सात कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है, वैसे तो हर एक रेंज है, मेजर सात इसमें कलर हमको दिखते हैं। विबग्योर आप लिख लीजिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये सारी जो लाइट है उनकी हर एक की अलग अलग लैम्डा है और अलग अलग तरह की रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग होती है, डिस्पर्शन होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। मेन चीज इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, हर एक लैम्डा का अलग अलग बेंडिंग होती है। रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ही तो है, तो बेंडिंग जो हो रही है वो पूरी तरह डिपेंड करती है क्या इसका वेवलेंथ है, और हर एक लाइट का अलग अलग वेवलेंथ है। कुछ ज्यादा बेंड हो जाती है, कुछ कम बेंड होती है, तो जो ज्यादा बेंड हो गई और कम बेंड हो गई उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वो डिफरेंस ऐसे क्रिएट हो जाता है कि हर लाइट जो बेंड हुई है वो अलग से दिखने लगती है, या व्हाइट लाइट जो है वो डिवाइड हो जाती है अलग अलग शेड्स में, अलग अलग शेड्स में। तो जो ज्यादा बेंड होती है, जैसे मैंने कहा कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा बेंड हो जाएगी, और इसी तरीके से वाइस वर्सा होगा। तो यहां पर अलग अलग आपको शेड दिख जाएंगे, लाइट दिख जाएगी, क्योंकि अलग अलग तरीके की अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से इसकी बेंडिंग होगी। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अ रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव लेंस, एक कॉनकेव लेंस है, उसमें तीन सवाल के तीन पार्ट है। जब एक लाइट आएगी और वो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ये लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, जब ये पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से तो वो सीधी निकल जाएगी। कोई भी लेंस ले लीजिए आप, जब भी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट गुजरेगी वो बिल्कुल पास कर जाएगी इसको, मतलब कोई डिविएशन नहीं होगा। जब लाइट रे बिल्कुल पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, इस प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल सीधी आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो जब वो बेंड होगी या रिफ्रैक्ट होगी तो वो ऐसी प्रतीत होगी कि वो फोकस से चल के आ रही है। अगर उसको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड कर दूं तो वो फोकस से आती हुई दिखाई देगी। और थर्ड है डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, ये दूसरे का कन्वर्स है, उल्टा है। एक लाइट जो डायरेक्टेड है फोकस की तरफ, ऐसी लाइट आ रही है जो आगे बढ़ाएंगे तो फोकस की तरफ जाएगी, जब वो आएगी कॉनकेव लेंस पे तो वो सीधी हो जाएगी, वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के उलट है, कॉन्वर्स है। अ पर्सन कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर प्लेस नियर देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस डिफेक्ट, लिस्ट इट्स टू पॉसिबल कॉसेस, draw a ray diagram to show how this defect may be corrected using a lens of appropriate focal length। एक साहब को पास की चीज नहीं दिख पा रही है, उनको थोड़ा दूर करना पड़ता है, 50 सेंटीमीटर तक करना पड़ता है, तो यहाँ पर वो देख नहीं पा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, ये साहब को hypermetropia है, इनको far sightedness है, इसका मतलब ये करीब की चीज नहीं देख पाते, मतलब 40 साल के बाद ये हो जाता है, प्लस पावर आ जाती है, करीब की चीज नहीं देख पाते, छोटी चीज नहीं देख पाते, और दूर की चीज ठीक ठाक देख लेते होंगे अगर आपकी आंख पहले से ही रही हो। तो यहां पर ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपकी आई लेंस है, हमारी आंखों की लेंस है, जैसे ही ये आई लेंस कन्वर्ज करने की कोशिश करती है इनको, वो रेटिना पे नहीं हो पाती, मतलब इसकी इसका जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती है, बल्कि रेटिना से पीछे बनती है, वो बननी चाहिए रेटिना पे, तभी तो हमको दिखाई देगा, वो उसके पीछे जाती है, तो ब्लरी इमेज आ जाती है। तो इसका कारण ये होता है, दो कारण हो सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया के, एक तो फोकल लेंथ आई का, आंखों का बहुत बड़ा ज्यादा है, या जो लेंथ है आईबॉल की वो कम हो गई। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे ताकि डिफेक्ट ठीक हो जाए। तो यहां पर क्या होगा कि लाइट्स का कन्वर्जेंस करेगा वो किस पे, रेटिना पे, वो सारी जो लाइट आ रही है, दो लेंस लग गए, एक आई लेंस जो नहीं कर पा रहा था लेकिन कॉन्वेक्स लेंस लगाया, तो अब वो जब आंखों की तरफ से पास हो रहा है तो वो इमेज रेटिना पे पड़ रही है, तो ये दोनों लेंस मिलके ऐसे काम कर दे रहे हैं कि हमें रेटिना पे इमेज मिल जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, 50 सेंटीमीटर है। अब हम ऐसे करते हैं कि इसकी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, हमको यहाँ पर अपने कॉन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे। अगर आप देखें कि ये 25 है, 25 सेंटीमीटर है जहां से कन्वर्ज हो रही थी पीछे, हमने लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, फोकल लेंथ इसका हमको निकालना है, तो यू हम -25 ले रहे हैं, वी आपको हर दिया ही हुआ 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसका निकालेंगे 50 सेंटीमीटर आएगा, आप 50 सेंटीमीटर पावर निकालना है तो 100 से 50 में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2 डायोप्टर, इतना पावर इनको लगेगी। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब एक दूसरा सवाल है, उसमें भी दूसरा पार्ट जो है सवाल का वो भी सेम सवाल है,
सेम सवाल ये जो आप देख रहे हैं वही पहला सवाल है, तो यहां पर हम इन दोनों का एक साथ आंसर देंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन लेंगे जो 30 सेंटीमीटर वाला, ये काफी बार रिपीट हुआ है। तो चार कैरेक्टरिस्टिक या फीचर होंगे जो इमेज बनती है एक प्लेन मिरर से। आईना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और इमेज जो बनेगी वो आपकी बिल्कुल वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी, वो आप किसी स्क्रीन पे नहीं ला पाएंगे। जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होगी, उसी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है। इसका साइज दोनों का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, यानी ए बी आप जो यहाँ देख रहे हैं और डी देख रहे हैं, दोनों का साइज सेम है। और इमेज जो बनेगी वो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस में बनेगी, जो बी सी डिस्टेंस है वो सी डी डिस्टेंस के बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, आईने के सामने आप खड़े होंगे तो आपको दायां हाथ बायां हाथ दिखेगा, बायां हाथ दायां हाथ दिखेगा, तो दायां बायां हो जाता है, इसी को हम लेटरली इन्वर्जन कहते हैं। ठीक, तो ये चार चीजें इसमें होगी, लेटरल इन्वर्जन इसमें लास्ट में जोड़ दीजिए। अब हम ये सवाल लेंगे, चार कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बता दी, वो आप उसके लिए लिखेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 30 सेंटीमीटर रखा गया है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ इसका 15 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा जहां जहां लेंस लिखा है उसको मिरर कर दीजिएगा। अब आपको फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और एफ 15 सेंटीमीटर और डिस्टेंस जो इसका दिया हुआ है -30, कार बार नहीं है, लेंस भी नहीं है, आप सीधा -30 करिए, बी से निकल के आएगा आपका 10, साइन कन्वेंशन 15 और -30, आपको साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तभी आप ये समझ पाएंगे। तो 1/v बराबर 1/f - 1/u, f को 15 रख रहे हैं, u को हम -30 रख रहे हैं, v हमारा 30 सेंटीमीटर, v आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, चलिए एक बार और देख लेते हैं। इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर बनेगी मिरर से, मैग्नीफिकेशन होगा इसका -v/u, तो आपका -10/-30 0.33 आ गया, इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल है, रियल इमेज इसमें नहीं बनती। तो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखिएगा मिरर की बात हो रही है, जहां जो लेंस है उसको आप चेंज कर रहे हैं। अब एक इमेज बन रही है, इमेज बाय स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज, ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसमें एक कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर दिख रहा है आपको, ये हमेशा आपको इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगी। इरेक्ट मतलब बिल्कुल उसी तरह सीधी खड़ी रहेगी जैसे आपकी ऑब्जेक्ट है, और डिमिनिश का मतलब होगा साइज कम होगा, ये इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड है, ये इसे हम इरेक्ट कहते हैं, जैसे वो खड़ी है पोल, जैसे दूसरा पोल खड़ा होगा। अब डिमिनिश का मतलब होता है छोटी बनेगी, जो भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन हो ये दोनों चीजें इसमें होनी होनी है। एक एक करके मैं बताता हूं, पहली पोजीशन है ऑब्जेक्ट रखा है पोल और इंफिनिटी के बीच में, ये एक हमने लाइट रे देखी जो एक स्ट्रेट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, तो ये फोकस में जोड़ दीजिए इस लाइन को, है ना, जो आपने सीधी बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजा। जब भी एक लाइट बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी है तो वो स्ट्रेट जाएगी, या ये कहे बिल्कुल स्ट्रेट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जहां दोनों जो लाइट इंटरसेक्ट हो रही है उसको आप ए डैश कहेंगे और ए बी डैश नीचे आप सीधा जोड़ दीजिए, ए डैश बी डैश इसकी इमेज होगी। अब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे, जो इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है वहां से सीधे लाइनें आती है, सीधे रेज आती है। अब सीधी आएगी तो जैसे मैंने बताया वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब वो फोकस से आती हुई दिखाई देगी, यहाँ ऊपर भी ऐसे ही हो रहा है, अज्यूम कर ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है, नीचे भी आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, ये दोनों हो गया। अब एक जो स्ट्रेट जा रही है वापस आ रही है वो आपकी वैसी रहेगी, तो फोकस पे इमेज बन जाएगी। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन हेडलाइट्स, रियर व्यू मिरर्स, इन कार्स एंड मोटरसाइकिल्स, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। यहाँ पर आप चित्र में देखिए, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, अगर आपको पीछे देखना है साइड मिरर में देखना है तो ये आपका रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर्स हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर्स हैं, आप पीछे देखेंगे साइड में देखने रियर व्यू मिरर है, और ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर यूज होता है जो हेडलाइट में यूज होता है, आपकी कार में हमेशा कॉनकेव मिरर आपकी हेडलाइट में, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम पहले हेडलाइट की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर हम यूज करते हैं हेडलाइट की तरह, इसको हम रिफ्लेक्टर की तरह यूज करते हैं, बल्ब जो होगा वो फोकस में रखा जाता है कॉनकेव मिरर के, ताकि जो लाइट रे आ रही है बल्ब से उसको हम कलेक्ट कर सकें और रिफ्लेक्शन के बाद हमको एक बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बीम मिले। जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम रियर व्यू में लगाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में बोल कह रहा हूँ आपको, यहाँ जो मैंने चित्र में भी दिखाया हुआ है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर हम पीछे का देखने के लिए या साइड का देखने के लिए कार में, क्योंकि हमारे पीछे की तो आंखें नहीं होती है इसलिए हमको इसका उपयोग करना पड़ता है जिससे गाड़ियाँ चलती है, तो जो बाकी व्हीकल्स है वो एक हमको बाकी की छोटी इमेज दिखाई देगी और काफी दूर तक दिखाई देगी, यानी कि डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज,
टू एफ कॉन्वेक्स लेंस के बाद डिमिनिश होगी और रिक्ट होगी, और इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा व्यू आपको मिल जाता है और आप छोटी सी इससे ज्यादा चीजें देख पाते हैं. मेंशन द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स एंड शेविंग मिरर्स. लिस्ट टू रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर्स इन ईच केस. यहाँ पर ये मैंने आपको रियर व्यू मिरर बताया है, आप कार से पीछे देखना चाहते हैं. ये आपका सिक्योरिटी मिरर है, ट्रैफिक मिरर भी इसे कहते हैं, और ये इसको सवाल में पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैंने दिखाया है ये कॉन्वेक्स मिरर यहाँ यूज करते हैं. जो पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर्स हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, और शेविंग मिरर आप में से कई लोगों ने दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया होगा वो कॉन्केव मिरर यूज करते हैं. तो रीजन क्या है रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स का? पहले चीज तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाते हैं, उनका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है क्योंकि वो कर्व्ड होते हैं बाहर से, तो वो आपको ज्यादा व्यू मिल जाता है. कॉन्केव मिरर जैसे मैं आपको कह रहा था, शेविंग करने वाले लोग जो इमेज या कॉन्केव मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इमेज जो होती है बड़ी होती है, मैग्नीफाई हो जाती है, तो आपको बिल्कुल क्लियर डिटेल चाहिए होता है जब आप दाढ़ी बना रहे होते हैं या शेविंग कर रहे होते हैं. इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, जब ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे क्लोज टू मिरर, मिरर के पास रखेंगे. यहाँ पर इन द फॉलोइंग रे डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर, कौन से एंगल इसमें सही है चलिए देखते हैं. इसमें पहला तो आई बिल्कुल सही बन रहा है, आई इमर्जेंस भी सही है, इंसिडेंस, डी आपका एंगल ऑफ डिविएशन भी सही है, और आर ये भी आपका सही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी आपका सही है, सारे के सारे सही है, तो इसमें डी उत्तर कर दीजिए इसका. तो इसको मैं फिर से आपको बता देता हूं, एक एक डायग्राम से देखते हैं. ये एंगल जो है नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, और इंसिडेंट रे वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जो आप यहां देख रहे हैं. एंगल जो नॉर्मल है दूसरे सरफेस का, और इमेजेंट रे उसके बीच का जो एंगल होता है इमेजेंट रे होता है, और जो करेक्टली मार्क एंगल है आई है, ई है, डी भी सही है, आर भी सही है, तो आर ए डी सब सभी सही है इसमें. After tracing the path of a ray of light through a glass prism, a student marked the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence and the angle of deviation as shown in the diagram. The correctly marked angles are. तो इसमें कौन कौन से सही है? इसमें दो इधर उधर हो गए, डी और आर. डी नीचे आना चाहिए, आर ऊपर जाना चाहिए, मतलब अभी हमने जस्ट पहले अभी देखा पिछले इसमें, तो मैं फिर से इसको हम देखते हैं, समझाने की कोशिश करूंगा. पहले आंसर बी है इसका, ये समझ लीजिएगा. पहले आप देखिए कि I और E करेक्ट है, R और D इन्होंने घालमेल कर दिया है, R नीचे आएगा, D ऊपर जाएगा, ये साहब तो आप तो ऊपर नीचे कर दीजिएगा. देखिए PE जो आप देख रहे हैं लाइट, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. EF जो है उसे हम कहते हैं रिफ्रेक्टेड रे. FS जो लाइन दिख रही है वो इमर्जेंट रे. जो एंगल आपका I है, I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वन कहें इसको, R है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, और एंगल ऑफ E जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है. ये जो एंगल आप देख रहे हैं D एंगल ऑफ डेविएशन है, और एंगल ऑफ A एंगल ऑफ आपका प्रिज्म, एंगल ऑफ A, angle of the prism. After tracing the path of rays of light through a glass slab for three different angles of incidence, पहले आपको ये मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ना glass slab वाली चीज़ में समझेंगे. After tracing the path of rays of light through a glass slab for three different angles of incidence, a student measured the देखिए angle of incidence ये हो गया जो पहले कॉलम में है. The student measured corresponding value of angle of refraction. ये तो दूसरा कॉलम है, R है, मैं इसको अभी R लिखने वाला हूँ. ये एंगल आई दो है, नहीं है, ये आर है. एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस ई इज रिकॉर्डेड देम इन द टेबल. तो पहला कॉलम आई, दूसरा कॉलम आर, तीसरा कॉलम ई. आपको बताना है करेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन कौन से, सही ऑब्जर्वेशन कौन कौन से, पहला है, दूसरा है, तीसरा कौन सा है, या दो है या तीनों है, कैसे. पहले आप मैं आपको बताऊं कि इसका उत्तर जो है डी है, और उत्तर मतलब सारे ही सही है, सारे ही सही है. तो यहाँ पर रूल देखिएगा, जो रूल है उस हिसाब से हम चयन करेंगे. पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लास स्लैब, यहाँ पर एक लाइन आ रही है नॉर्मल के साथ, आई एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, इसको आई कहेंगे. फिर ये थोड़ा रिफ्रैक्ट होगा, बेंड होगा, ये रिफ्रैक्ट एंगल हो गया. फिर ये बाहर निकलेगा तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा ई, ये ई बनेगा. तो यहाँ पर आई ई और आई और ई, आई की लाइन को बढ़ा दीजिए, मतलब इंसिडेंट को बढ़ा दीजिए, इमरजेंट को बढ़ा दीजिए, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लेटरल. अभी ये आने वाला है, ये सवाल अभी आएगा. तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है, पहले आप समझिए. कंडीशन ये है, जो होल्ड होनी चाहिए, जो ट्रू होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस या तो बराबर हो या बिल्कुल तकरीबन करीब हो. ये 30 और ये 30 दोनों देख रहे हैं आप यहाँ पर. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो बढ़ता है जब इंसिडेंट एंगल को आप बढ़ाएंगे. तो ऑब्जर्वेशन हमको क्या, यहाँ पर कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशन जो हमें मिल रहे हैं? एक लाइट रे जब पास हो रही है ग्लास स्लैब से, पहली चीज तो ये है एंगल आई और एंगल ई, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, इस पहला कॉलम तीसरा कॉलम ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए.
और एंगल आर जो है वो एंगल आर का कॉलम सेकंड है वो कम होना चाहिए एंगल आई से, ठीक। दो चीजें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता है जब आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं, तो आप इसकी पॉसिबिलिटी एक एक करके देखेंगे। ये पहला कॉलम आपका 30 और एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, ये मैं बता रहा था एंगल ऑफ आर। तो एंगल पहले ऑब्जर्वेशन का आई और ये दोनों बराबर बराबर है, 30-31 इक्वलिटी कह सकते हैं। दूसरे में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई दूसरे में भी 40-40 बराबर है, और तीसरे में 50 और 49 ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये पहले कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब आइए आप दूसरी कंडीशन पे, आर आई से कम होना चाहिए, 20-30 से कम है, 25-40 से कम है, 31-50 से कम है, तो तीनों में सेम सिमिलर कंडीशन, तो सही हो गए सारे के सारे। आफ्टर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अ स्टूडेंट रिपोर्टेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन टेबुलर फॉर्म एज गिवन बिलो। तो इसमें बिल्कुल सेम चीज दी हुई है, आपको इसमें बेस्ट ऑब्जर्वेशन बताना। और बेस्ट ऑब्जर्वेशन ये है, ध्यान रखिएगा कि हम ग्लास की बात कर रहे हैं, ये फिगर मैंने आपको समझा दिया, ये ध्यान रखिएगा ग्लास जो दिख रहा है आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ इमर्जेंस से, पहली चीज ये दिमाग में रखेंगे। दूसरी चीज दिमाग में रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा, ये कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई से कम होगा, ठीक। इसमें देखिए सारी कंडीशन सब सारी मीट कर रहे हैं, मतलब सारे जो पहला कॉलम, पहला रो, थर्ड सिर्फ चौथे रो तक देख लीजिए, सारे के सारे इसमें सही हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा आपको अपना ऑब्जर्वेशन इसमें बताना है, तो हम कैसे करेंगे, पिछले बार में बार तो हमने कहा सभी सही है। यहां पर मसला ये है कि आप आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है, तो कैसे मिलेगा आपको। देखिए अगर आप म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कैसे निकालते हैं, वो साइन आई बाय साइन आर होता है, साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई यहां पर, साइन आई आप साइन 30 रखिए, साइन आर रखें साइन 19 रखिए, साइन आई बाय साइन आर, ये साइन 30 बाय साइन 19 रखेंगे आपको मिलेगा 1.5। ये तभी मिल सकता है पहले केस में, बाकी केसेस में आपको नहीं मिलेगा, और बाकी केसेस में नहीं मिलेगा, इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन है। साइन 40 बाय साइन 28 आपको नहीं देगा। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम्स इन विच द पाथ ऑफ अ रे पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म आर ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट पी क्यू आर एज शोन। तो इसमें कौन चारों ने बनाया, कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो आपको क्यों सही लग रहा होगा, और उत्तर इसका यही है क्योंकि हम ये ऑलरेडी एक सवाल देख चुके हैं इसमें। देखिए जब ये एंटर करेगा, जब ये इंसिडेंट रे बेंड हो जाएगी, बाहर निकलेगी फिर बेंड हो जाएगी, तो इसका ये पाथ होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे मीडियम से पहले मीडियम दोबारा, ये इसका पाथ होगा, ये हम क्लियर जानते हैं, पहले भी हमने इसको समझिए, फाइनल ट्रेस है इसका, ये कहीं ये सही उत्तर है इसका। जो लाइट आ रही है इंसिडेंट, जो ग्लास प्रिज्म है वो पहले एक मीडियम से जा रही है और उसके बाद उसको बेंडिंग मिलेगी, उसके बाद जैसे वो बाहर निकल गई फिर से बेंडिंग मिल रही है, तो पहले वो मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी जब बाहर निकलेगी और फिर करीब आएगी, तो पहले में वो करीब आएगी, उसमें बाहर निकलेगी तो दूर जाएगी। सेम क्वेश्चन आप जो पिछला सवाल था उसमें आप उसको उलट दीजिए, अगर आपने हाथ में पकड़ा हुआ अपना हाथ उसको उलट दीजिए, आप देखेंगे एग्जैक्टली इसी तरीके से बन जाएगा, है ना, इसको अपटर्न कर दीजिए बिल्कुल सेम बनेगा, तो सी इसका सही आंसर, ठीक। क्लियर आपको दिख रहा है सी इसका उत्तर है, क्लियर, आपने अपटर्न किया है। यहाँ पर चारों जो सवाल है, चारों जो है चार लोगों ने अलग अलग बनाया, आपको बताना कौन सा सही है, आपको क्लियर दिख रहा है कि ये सी है क्योंकि उसका उल्टा ही है, और इसके लिए बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा कि लाइट जब आएगी, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल के करीब जाएगी वो, है ना, नॉर्मल के करीब जाएगी, और जैसे ही वो बाहर आएगी जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो उससे नॉर्मल से दूर जाएगी, इसलिए इस तरीके से बेंडिंग होगी। तो तीसरी जो है कंडीशन सी ये फुलफिल कर रहा है, ये बता रहा है कि हाँ भाई सही हो रहा है। एक स्टूडेंट है वो ट्रेस करता है पाथ ऑफ अ रे ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड मार्क्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्शन एंड इमर्जेंस लाइक दिस एज शोन, व्हिच एंगल्स और एंगल हैज नॉट मार्क करेक्टली। तो देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है एंगल जो होता है आई और आर वो गलत हो गया, एंगल आई जो होता है वो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, इसलिए सी इसका सही आंसर है, जो मतलब उन्होंने गलत कर दिया आई और ई, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस दोनों गलत हैं क्योंकि एंगल ऑफ इमेज आई जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। वो देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर एक नॉर्मल है, नॉर्मल हमारी इमेजिनरी होती है, यहाँ पर लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्टेड होगी फिर यहाँ से बाहर निकलेगी,
तो ये एंगल जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हो रहा है, ये होता है आई ना, ना जो इन्होंने किया है वो ये आई बना दिया, ये गलत हो गया, ये सही है। तो आई यहां होना चाहिए, इसी तरीके से यहां पर भी थोड़ी गलती हो गई है, गलतियों से इंसान सीखता है। ई यहां पर होगा, ई ये नहीं होगा, नॉर्मल से एंगल बनेगा। आई और ई साहब ने गलत कर दिया, अगली बार वो सही कर देंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो आपको बताना है। तो आपको 1, 2, 3, 4 आपको दिया है, आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है। इस तरीके से पहला वाला 2 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, परपेंडिकुलर के बीच में बन रहा है, सर्फेस के परपेंडिकुलर, उसे नॉर्मल कहते हैं। अब आपके पास आएगा एंगल 1, एंगल ऑफ 1 है, एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये तो है क्वेश्चन में, देखिए ये एंगल, ये 1 हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस 1 हो गया। उसके बाद तीसरा हमको निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो आपके इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन गया था 1, तो पहले 2 हो गया फिर 1 हो गया, तो बी और डी में कुछ भी हो सकता है। अब आइए तीसरे पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, ये हो गया, तो 2, 1, 4 ये आ गया। अब ये मतलब क्लियर दिख रहा है, बी सही हो गया। अब आखिरी में आ जाए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो इमर्जेंट जो लाइट आ रही है और जो निकल रही है उनके बीच में जो थोड़ा सा डेविएशन हो गया उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो 3 हो गया एंगल। तो 2, 1, 3, 4 इसका सीक्वेंस हो गया। मैं इसको दोबारा बताता हूँ आपको, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये सीक्वेंस है जो इसे सवाल पूछा गया उस तरीके से लिखना था। A student focuses the sun rays using an optical device X on a screen S, as shown यहाँ पर। From this it may be concluded that device X is, device X क्या है? अब एक डिवाइस ऐसा है इनका, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, इन सबको ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, और ये कौन करता है? ये कॉन्वेक्स लेंस करता है ना? तो कॉन्वेक्स लेंस करता है। अब इसमें देखिएगा कि जो प्लेन की दूरी है या मिरर, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और वो जो यहाँ पर फोकस पे कन्वर्ट करता है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 20 सेंटीमीटर है, जो आपको यहाँ पर सवाल में जो दिया उससे भी दिखाया। तो लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, कन्वर्ज हो जा रही है फोकल पॉइंट पे, जो कॉन्वेक्स लेंस कर पा रहा है, जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का वो 20 सेंटीमीटर, जो कि दूरी भी आपको दिख रही है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। एक स्टूडेंट फोकस, बिल्कुल सेम सही है, सेम सवाल है। स्टूडेंट फोकस दी से इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिवाइस एक्स ऑन अ वाइट स्क्रीन एस एज शोन इन फिगर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द डिवाइस इज 40 सेंटीमीटर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द डिवाइस। 40 सेंटीमीटर मैंने जो आपको लॉजिक बताया था बिल्कुल सेम वही अप्लाई करेंगे, आपको आंसर क्लियर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और वहां से इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से रेज जो है वो कन्वर्ज कर देता है इस पॉइंट पे, फोकस पे। तो फोकल लेंथ इसकी क्या है, 40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस 40 सेंटीमीटर उस फोकस पॉइंट से डायग्राम में दिख रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो एक कॉन्वेक्स लेंस और 40 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है, तो जो इमेज फोकस हो रही है उस डिवाइस में, पहले तो डिवाइस क्लियर हो गया कि आपका लेंस होगा, मिरर नहीं हो सकता। और उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस ये हमेशा इमेज बनाता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, जब अपने फोकस पे जब स्ट्रेट लाइन आती है, जो डिवाइस है वो कॉन्वेक्स लेंस ही होना चाहिए, जो मैंने आपको फिगर में भी बताया, जो मैंने पिछले सवाल में भी चर्चा की। और फोकल लेंथ जो है इसका 40 सेंटीमीटर होगा, जो आप डिस्टेंस पे भी देख रहे हैं, क्योंकि वो जाके फोकस पे जाके लग जाता है।